Hey smart people, so finally we are starting our chapter which is ecosystem. आपका स्वागत है हमारे इस particular session में and you are most welcome to this beautiful channel that is Neat Niket. मेरा नाम है लक्ष्य और आपका स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में. Topic of discussion for today is going to be about ecology. Ecology की unit का पहला chapter जो कि ecosystem में discuss करने वाले हैं. मज़े की बात यह है कि यार ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आपको इस चैप्टर में कोई भी हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है. इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल, यूनिडायरेक्शनल एंड बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चैप्टर होने वाला है. जो कुछ बातें मैं आपको बताऊँगा वही बातें आपको ध्यान रखनी है. बस ध्यान रखना पूरे चैप्टर के दौरान आप एक पेन और पेपर लेके बैठें. दिस इज़ व्हाट यू नीड इन माई क्लास. और बस कुछ डेटा लिखने के लिए आप तैयार हो जाइए, ठीक है. एंड इसके अलावा इस चैप्टर में आपके जो सवाल आएंगे ना, उन सवालों के जवाब या तो हाँ होंगे या तो ना होंगे. ये नहीं है कि आपको कुछ इसमें एनालिटिकल थॉट देनी पड़ेगी कि यार मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, मुझसे ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुआ. ऐसा नहीं है, या तो आता है या तो नहीं आता, ठीक है. तो येस और नो में इसके आंसर्स होंगे और सिंपली बस आपको चीज़ें इसमें याद करनी है. और कोशिश करूँगा कि इसको जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल हम इस चैप्टर को रखें, इस चैप्टर की लैंग्वेज को रखें. एंड आइए फिर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. भाई आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की. सबसे पहले हमें समझना होगा कि इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, राइट. तो जो हम ब्रांच पढ़ रहे हैं, जो हम यूनिट पढ़ रहे हैं जिसमें हमें बात करनी है इकोसिस्टम के बारे में, तो इसका मतलब क्या है. तो इकोलॉजी इज नथिंग बट इट्स जस्ट इंटरेक्शन बिटवीन द लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग, है ना. मतलब एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं बायोटिक, है ना. बायोटिक मतलब क्या होता है, जो चीज लिविंग हो. तो सिंपली एक बायोटिक सब्सटेंस के बायोटिक के साथ इंटरेक्शन कैसी है, एक नॉन लिविंग थिंग की एक नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन कैसी है, और एक लिविंग की नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन कैसी है, इसी को आप कहते हो क्या इकोलॉजी, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर आपको एक एग्जांपल मैं दूं तो एक काओ है जो कि एक लिविंग है, ऐसे ही ग्रासेस है, ये ग्रास है, है ना, ये भी एक लिविंग है. तो इन दोनों के बीच की इंटरेक्शन कैसी है, वो है डाइजेशन, वो है डाइजेशन. ऐसे में बात करूँ कि हमारे पास ग्रास है एंड यहाँ पे हमारे पास सनलाइट है, एक नॉन लिविंग है और एक लिविंग है, लेकिन इनके बीच के इंटरेक्शन कैसे है, तो उसे आप कहते हो फोटोसिंथेसिस. इनके बीच के इंटरेक्शन को आप कहते हो फोटोसिंथेसिस, राइट. तो ये होता है क्या सिंपली इकोलॉजी का मतलब, कि यार हाउ यू आर इंटरेक्टिंग विद योर एनवायरमेंट. जस्ट फॉर एग्जांपल हाउ एम आई इंटरेक्टिंग विद माय एनवायरमेंट राइट नाउ. इट्स जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि मैं अपने कैमरे से कैसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मैं इस लैपटॉप से कैसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मैं इस पंखे से कैसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ. तो दिस इज हाउ इट्स वर्किंग, और तभी मैं आपको कनेक्ट कर पा रहा हूँ, तभी आप मुझे देख पा रहे हैं, है ना. बिकॉज मेरे साथ और भी चीजों की इंटरेक्शन मेरे साथ हो रही है, इस वजह से आप मुझे देख पा रहे हैं, ठीक है. तो ऐसे ही कुछ होता है हमारे इकोलॉजी में, कि इकोलॉजी जो है ये एक सिस्टमेटिकली या फिर सेल्फ सस्टेनेबल वे में जब चलती है ना, ये वर्क करती है. तो कैसे काम करती है, अकेले काम नहीं करती, है ना. जैसे एक टीम, एक अकेला बंदा ऑब्वियसली शुरुआत करने के लिए एक अकेले बंदे को चलना पड़ता है, लेकिन अगर उसे बहुत आगे तक जाना है तो वो अकेला नहीं जा सकता, इट नीड्स अ टीम सपोर्ट, है ना. तो ऐसी पूरी टीम मतलब काफी सारी चीजें मिलकर अगर काम करेंगी, देन वी कैन से कि हमारे पास एक सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम मिल जाएगा, ठीक है. तो एन इकोसिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट. पहली बात तो ये क्या है, ये नेचर की फंक्शनल यूनिट है और स्ट्रक्चरल यूनिट भी है, वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड विद देयर फिजिकल एनवायरमेंट. तो लिविंग थिंग लिविंग के साथ इंटरेक्ट तो कर ही रही है, लेकिन साथ में अपने आसपास के जो एनवायरमेंट है उससे भी इंटरेक्शन चल रही है, ठीक है. तो कह रहे हैं से कि जो इकोलॉजी है उसमें आप कहेंगे कि इंटरेक्शन चल रही है, है ना. तो आप कह सकते हो उसमें कुछ कम्युनिटीज होंगी, है ना, उनकी इंटरेक्शन होगी उनके फिजिकल एनवायरमेंट के साथ. ठीक है, मतलब कि कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस. ये बहुत सारी पॉपुलेशंस एक साथ आ रखी हैं, तो उसमें बहुत सारी लिविंग थिंग्स आ गई, है ना. तो लिविंग का लिविंग के साथ इंटरेक्शन, प्लस में उनका इंटरेक्शन नॉन लिविंग मतलब फिजिकल एनवायरमेंट के साथ भी, इसे आप कहते हो क्या इकोलॉजी. थोड़ा सा आगे आते हैं, और ये हमारे पास एक हायरार्की है किसकी, इवोल्यूशन उसकी इकोलॉजी की. और ये हायरार्की मैं बताती हूं, सबसे पहले अगर आप कहेंगे कि यार ये हमारे पास एक अर्थ है, इस अर्थ में आपको देखना है, अगर आप यहां से देख रहे हैं, सबसे बेसिक चीज, सबसे स्मॉलेस्ट चीज आपको क्या मिलेगी यहाँ पे,
तो आप कहोगे यार एक सिंगल एक पर्सन हमें मिलेगा, एक कोई लिविंग थिंग मिलेगी, वो सबसे छोटी चीज होगी। हालांकि हम जानते हैं कि यार जैसे मैं एक लिविंग थिंग हूँ, तो मैं भी ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ हूँ, तो मेरे अंदर तो सबसे छोटी यूनिट क्या है? सेल है। और सेल के अंदर भी क्या है? ऑर्गेनेलीज है। उसके अंदर भी क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब कुछ है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अगर आप आउटर परस्पेक्टिव से देखो तो इस अर्थ के रिस्पेक्ट में, बिकॉज इकोलॉजी इज ऑल अबाउट द एनवायरमेंट, ऑल अबाउट द नेचर, तो नेचर में सबसे छोटी यूनिट क्या है? तो वो है एक सिंगल इंडिविजुअल, है ना। इट इज द बेसिक यूनिट, बट यू कैन सी इट इज द बेसिक यूनिट जो आपको सबसे छोटी चीज मिलेगी किसमें? आपके एक इकोसिस्टम में या फिर एक नेचर के अंदर, ठीक है। उससे मिला के क्या बनाएंगे आप? पॉपुलेशन बनाएंगे। पॉपुलेशन से मिलकर बनती है आपकी कम्युनिटी। तो मान लो कुछ दो बंदे एक साथ आ गए, है ना, ग्रुप ऑफ पीपल इज सिंपली कॉल्ड एज अ पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज। अब एक स्पीशीज तक सीमित नहीं है कहानी, काफी सारी स्पीशीज एक साथ मिल रही है। जैसे कि एक डॉग की स्पीशीज आ गई है ना, कैट की स्पीशीज आ गई है ना। आप जाते हो बाहर, आप अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलोगे, है ना, तो फ्लैट के नीचे आप देखोगे कुछ आपको कैट्स मिल जाएंगे, कुछ आपको डॉग्स मिल जाएंगे, कुछ आपको ह्यूमंस मिल जाएंगे। तो इट्स मैनी स्पीशीज आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, ठीक है। इट्स कॉल्ड एज अ कम्युनिटी। वी कैन से मैनी स्पीशीज या मैनी पॉपुलेशन। एक शॉर्ट टर्म में हम इसको समझ रहे हैं ना, हालांकि इस पर डिटेल डिस्कशन होता है, मगर इट्स अ वन शॉट, सो वी आर डिस्कसिंग इट वेरी लाइटली। नेक्स्ट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होगा? जिसमें इस पॉपुलेशन के साथ साथ, है ना, इस कम्युनिटी के साथ साथ आप कहेंगे इसका एनवायरनमेंट भी जुड़ जाएगा। उसे आप कह दोगे क्या? एक तरीके से इकोसिस्टम। फिर आएगा आपका लैंडस्केप। लैंडस्केप क्या होता है? जब बहुत सारे इकोसिस्टम्स होते हैं मगर छोटे लेवल पे। याद है आपको बचपन में आप एक ड्राइंग बनाया करते थे, उसमें इस तरीके से पहाड़ थे, है ना, यहाँ से एक सूरज निकल रहा है, तो सूरज क्या है? नॉन लिविंग है। पहाड़ क्या है? नॉन लिविंग है। लेकिन साथ में ग्रासेस भी हुआ करती थी, साथ में एक बंदा भी है जो मस्त, है ना, गोलू घूम रही है, ठीक है। तो ऐसी बहुत चीजें चल रही है, तो इट्स यू कैन से मैनी इंटरेक्शंस आर गोइंग पैरेलली। कि भाई पानी की नदी जा रही है, नदी में क्या है आपको पता है कि फिशेज हैं जो पानी के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, ये जो बंदा है ये ग्रासेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, साथ में इन सब के साथ ये सन और ये माउंटेन्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, ना। तो इट्स अ मैनी इकोसिस्टम मगर छोटे एक्सटेंट पे, उसे आप कहते हो लैंडस्केप। फिर आते हैं आपके बायोम्स, जो कि बड़ा इंटरेक्शन होगी, काफी सारे इकोसिस्टम एक साथ आएंगे, लार्ज जियोग्राफिकल एरिया होगा, ठीक है। बायोम इज अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया जिसके ऊपर डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। फिर लास्ट में आता है आपका बायोस्फीयर, ठीक है। तो दीज आर व्हाट? दीज आर द बेसिक हायरार्की ऑफ इकोसिस्टम जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इट्स नथिंग बट ग्रुप ऑफ स्पीशीज। ओके, अब आते हैं इस पे और बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम की, किस किस तरह के इकोसिस्टम हमारे पास होते हैं। आई होप आप इकोसिस्टम समझ चुके हैं क्या होता है ना। अब इसकी बात की, अगर इसके टाइप्स की बात करें तो आप इसको दो बेसिस पे डिवाइड कर सकते हो। पहला ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, कहाँ पे आपको वो इकोसिस्टम्स मिल रहे हैं, ऑन दैट बेसिस आपसे दो तरीके से डिवाइड करेंगे। तरीका नंबर एक कि भाई इकोसिस्टम जो है वो हो सकता है कैसा, वो हो सकता है कि एक नेचुरल इको, या नेचुरल नहीं, आप टेरेस्ट्रियल कह सकते हो, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो, या हो सकता है कि वो एक्वेटिक इकोसिस्टम, या फिर वो एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, ठीक है। ये दो चांसेस है। अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल के बारे में, तो टेरेस्ट्रियल क्या होता है? टेरेस्ट्रियल इज समथिंग के, या इसमें एग्जाम्पल्स आ जाएंगे आपके, इसमें एग्जाम्पल्स आपके आ जाएंगे जैसे कि आपका कोरल्स, या कोरल्स तो वाटर में आ जाएंगे, डेजर्ट्स, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, है ना, डेजर्ट्स आ सकते हैं, ठीक है, डेजर्ट्स आ जाएंगे, ठीक है। और आपके अलावा इसमें आपके टुंड्रा आ जाएगा, टाइगा आ जाएगा, ग्रीन वेटलैंड्स आ जाएंगे, ग्रासलैंड्स, ऐसे बहुत सारे टेरेस्ट्रियल के एग्जांपल्स हैं। दूसरा बात करूं अगर मैं एक्वेटिक के बारे में, तो इसमें एग्जांपल्स आपके आ जाएंगे, जैसे कि आप कह सकते हैं हो कोरल्स आ गए, ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल्स आपके आ जाएंगे इसमें, बेंथिक रीजन,
ठीक है, दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर वॉट, दीज आर द एग्जाम्पल्स फॉर एक्वेटिक सिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मैक्सिमम बायोमास होता है, डेजर्ट्स में कम, सबसे कम होता है। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन देयर एनवायरमेंटल कंडीशंस। आप जानते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो आपके इक्वेटर पे पाया जाता है, और इक्वेटर पे आपको पता है सबसे ज्यादा अमाउंट में सनलाइट भी पहुंच रही है, अमाउंट में एक अच्छा अमाउंट वहाँ पे बारिश का भी हो रहा है, अच्छा ऑप्टिमम कंडीशंस क्रिएट है, मतलब वहाँ पे है ना टेम्परेचर इतना फ्लक्चुएट नहीं कर रहा, पूरे साल भर वहाँ पे लगभग लगभग सेम टेम्परेचर रहता है। इस वजह से यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी पाई जाती है, सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी, सबसे ज्यादा स्पीशीज पाई जाएंगी, सबसे ज्यादा वैरायटीज पाई जाएंगी, टेम्परेचर इतना फ्लक्चुएट नहीं करेगा वहाँ पे। तो ईयर टू ईयर जो बायोमास है वो भी सस्टेन रहने वाला है, कि मतलब पिछले साल जितना बायोमास बना था इस बार भी उतना ही बनेगा, अगले बार भी उतना ही बनेगा, हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन आ सकता है। ओके, अगला सा अगला है डेजर्ट। डेजर्ट में आप जानते हो कि धूप बहुत ज्यादा है दिन में, रात को बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है, तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन देयर एनवायरमेंटल कंडीशंस, इसलिए वहाँ पे बायोमास सबसे कम होता है। पानी है ही नहीं, तो कोई चीज़ इतनी ज्यादा है तो कोई चीज़ इतनी कम है, इस वजह से बायोमास वेरी कर जाता है। ठीक है, वो कहता है कि मैं नहीं आ रहा, छोड़ो तुम ऐसे ही कर रहे हो। कोरल रीफ्स की बात करें तो अगेन आप पानी में जाएंगे तो आपको बहुत कलरफुल कोरल्स मिलेंगे, इवन जो लोग जाते हैं है ना डाइविंग के लिए, तो इन दैट केस वो कोरल्स के लिए ही जाते हैं देखने के लिए। अगर आप यहाँ पे गोवा वगैरह के बीचेस पे जाओगे तो वहाँ पे आपको कोरल्स देखने को नहीं मिलेंगे, तो कुछ फायदा भी नहीं वहाँ पे जाने का है ना। लेकिन आप अगर अंडमान या निकोबार वहाँ पे जाओगे उस जगह पे, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे कोरल लीव्स मिलेंगे देखने को है ना। तो इट्स देयर पॉपुलेशन इज वेरी हाई देयर, और बेंथिक रीजन होता है बहुत डीप वाला, जहाँ पे अगेन सबसे कम बायोमास हुआ। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे सनलाइट नहीं पहुँच पा रही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स मैं आपसे कहूँ तो इट इज हैविंग द मैक्सिमम बायोमास एंड इसके पास मिनिमम बायोमास होगा, इसके पास मिनिमम बायोमास होगा। ठीक है, इसकी बात करें तो इसके पास अगेन मैक्सिमम है, इसके पास अगेन कैसा है मिनिमम। ठीक है, तो ऐसी सी कहानी रहती है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो पहले तरीके से हमने इसको डिवाइड किया है, आइए दूसरे तरीके से इसको डिवाइड करते हैं, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ On the basis of human interference. ठीक है, humans interference के basis पे आप इसे कैसे divide करोगे? तो आप कहेंगे कि यार whether इसमें human की involvement है या फिर नहीं है, तो उस तरीके से हम इसे divide कर सकते हैं। तो एक तरीका है कि यार एक बन जाएगा आपका natural ecosystem, एक बन जाएगा आपका आर्टिफिशियल या फिर मैनमेड इकोसिस्टम, मैनमेड इकोसिस्टम। ठीक है, बात करते हैं पहले नेचुरल के बारे में। तो इट इज नेचुरल, तो ये अपने आप से ही बना होगा, और खुद से ही अगर बना है तो खुद सेल्फ सस्टेनेबल भी होगा, तो अपने आप से सेल्फ सस्टेनेबल है। इसके अलावा अगर कोई सेल्फ सस्टेनेबल है तो ये बहुत बड़ा भी है, क्योंकि छोटा इकोसिस्टम को हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे आप देखोगे एक पॉन्ड, या पॉन्ड भी नहीं एक्वेरियम की बात कर लो, तो घर पे जो लोग कुछ एक्वेरियम से जाके रखते हैं, एक्वेरियम इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ इकोसिस्टम, जहाँ पे फिशेज हैं, पानी है, फूड है, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, प्लांट्स हैं, है ना। लेकिन हमें उसे टाइम टू टाइम चेंज करना पड़ता है, उसका पानी ठीक करना पड़ता है, उसमें हमें हर रोज खाना डालना पड़ेगा, तो वी आर टेकिंग केयर ऑफ दैट। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मैनमेड इकोसिस्टम। लेकिन वहीं अगर आप बात करें एक फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट में तुम जाओ या ना जाओ उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना, तुम उसके साथ हो या नहीं हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल तो हम उसे तबाही कर रहे हैं वैसे, वो चाहेगा कि ना ही हो तुम मेरे साथ, लेकिन हाँ स्टिल ठीक है, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना सारी साइकिल्स खुद से चला सकता है, उस पर बारिश पे डिपेंडेंट है, मतलब हम पे डिपेंडेंट नहीं है वो। ठीक है, तो फॉरेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ अ नेचुरल इकोसिस्टम। तो एग्जांपल पहले लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ उसके बारे में। तो फॉरेस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, नेचुरल, एंड मैनमेड में एग्जांपल आएगा आपका एक्वेरियम। एक्वेरियम ठीक है, एक्वेरियम इज द एग्जांपल इन द केस ऑफ मैनमेड। मैं बात करूं तो इसमें आप देखना और ध्यान देना कि जो फॉरेस्ट है इट इज व्हाट, इट इज नेचुरल, तो इसमें प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी। हालांकि मैनमेड के अंदर भी प्रोडक्टिविटी हाई होती है। कारण क्या है इसका? जैसे क्योंकि हम उसे अपने डिजायर की वजह से बना रहे हैं, और हमारी डिजायर क्या होती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिल सके उससे, हमें ज्यादा से ज्यादा उससे खाना मिल सके। जैसे हमने एग्रीकल्चर बनाए हैं, तो एग्रीकल्चर फार्म्स जो होते हैं वो भी हैं, वो भी एग्जांपल है एक इकोसिस्टम का, बिकॉज वहाँ भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। इफ़ यू थिंक यार एक खेत के अंदर जो गेहूं लगी हुई है कितना आसान है कि गेहूं लगा दो, कुछ साल बाद उग जाएगी अपने आप से, क्या मेहनत है इसमें, कुछ साल नहीं मतलब साल के अंदर उग जाएगी वो। लेकिन आप देखोगे कि उस खेत के अंदर उस सॉइल का इंटरेक्शन उस प्लांट के साथ कैसा है, उस सॉइल के अंदर बैक्टीरिया का इंटरेक्शन उस सॉइल के साथ कैसा है, वो काऊ
जो या ट्रैक्टर जो भी उसको प्लग कर रहे हैं उनका इंटरेक्शन प्लांट के साथ कैसा है, जो ह्यूमंस प्रॉपरली उनके साथ उनके सर्वेलेंस में ही सब कुछ हो रहा है उसका इंटरेक्शन कैसा है, पानी का इंटरेक्शन कैसा है, सनलाइट का इंटरेक्शन कैसा है, ये सारे इंटरेक्शन चल रहे होते हैं आपस में, तब जाके एक पूरा की पूरी कल्टिवेशन या फिर कह सकते हैं क्रॉप कल्टिवेट होती है, राइट। तो प्रोडक्टिविटी जो है ज्यादा होगी, लेकिन मैनमेड में भी कैसे होते हैं प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, मगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो हमारे वाले केस में प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। एक छोटे से एरिया में बहुत सारी प्रोडक्टिविटी आ जाएगी, वहां पे जितनी प्रोडक्टिविटी एक पूरे फॉरेस्ट में आएगी, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है प्रोडक्टिविटी का, तो इसमें भी हाई है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते आप कम हो गया इसमें प्रोडक्टिविटी, इसमें भी हाई होती है, इसमें भी प्रोडक्टिविटी जो है वो हाई है, मगर हमारे डिजायर की वजह से, हमारी डिजायर के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसमें भी कैसी है, हाई होगी। दूसरा पॉइंट आप कह सकते हैं कि इसमें ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, फॉरेस्ट को समझना इतना आसान भी नहीं है, तो इट्स कॉम्प्लेक्स, ठीक, कॉम्प्लेक्स। एंड आप कह सकते हो ये एक लार्ज है, काफी बड़ा भी है, और इट इज सेल्फ सस्टेनेबल, इट इज सेल्फ सस्टेनेबल। वहीं अगर हम बात करें मैनमेड की, तो इट इज नॉट सेल्फ सस्टेनेबल, मतलब इसमें ह्यूमंस की इंटरफेरेंस चाहिए होती है। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है, इसके अलावा आप कहोगे इट इज नॉट सेल्फ सस्टेनेबल, मगर ये सिंपल है, ये सिंपल होता है, ठीक है। तो इट इज अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन इंटरफेरेंस, कि उसमें ह्यूमन का इंटरफेरेंस है या नहीं है, उस बेसिस से हमने इसको डिवाइड कर दिया है, ठीक है। आते हैं अगले वाले पार्ट पे, जो कि है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। एक एक टर्म यहाँ से जो क्वेश्चन बन जाता है कि इकोलॉजी जो है यूनिट दी किसने, तो अर्नेस्ट हैकल वाज साइंटिस्ट हु गेव दिस टर्म, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हम एक तरीके से और भी डिफाइन कर सकते हैं इकोसिस्टम को, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज, ठीक है। एक मेगा इकोसिस्टम है, या फिर माइक्रो इकोसिस्टम है, या नैनो इकोसिस्टम है, कैसा इकोसिस्टम है। मेगा बहुत बड़ा, जैसे ओशंस होते हैं, है ना, एक बड़ा इकोसिस्टम। ऐसी बात करूं आपके पास माइक्रो, छोटा इकोसिस्टम, एक पॉन्ड हो गया, या फिर आपका एक्वेरियम हो गया, इट्स अ माइक्रो इकोसिस्टम, है ना। नैनो की बात करें तो एक पानी की बूंद भी एक इकोसिस्टम है, क्यों, बिकॉज पानी की बूंद में क्या है, बैक्टीरियाज है, पानी है, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो लिविंग भी है, नॉन लिविंग भी है, एनवायरमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रही है, इसलिए वो भी क्या है, वो भी एक एग्जाम्पल है किसके, नैनो इकोसिस्टम का, ठीक है। तो लार्ज साइजेस के बेसिस पे भी आप डिवाइड कर सकते हो, मगर उसको हम इतना अभी काउंटर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में हमें क्या पढ़ना है, देखो ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है हमारा। स्ट्रक्चर में हमें बात करनी है दो चीजों के बारे में, एक होगा स्पीशीज कॉम्पोजिशन के बारे में, एक होगा आपके स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में, ठीक है। स्ट्रेटिफिकेशन में आपको यहां सिखा दूंगा, इट इज नथिंग बट द वर्टिकल अलाइनमेंट ऑफ स्पीशीज एट अ पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में स्पीशीज कैसे अलाइन हो रखी है अपने आप को, कैसे उन्होंने अरेंज कर रखा है। जैसे हम लोग की बात करें तो हम लोग भी स्पीशीज हैं, हम एक शहर में आए रहने के लिए, हमने कैसे अपने आप को सर्वाइव कर रखा है कि यार हमारे पास ना अलग अलग बिल्डिंग्स बना दी हमने, कि एक फ्लैट पे कोई रहेगा, दूसरे फ्लैट पे कोई रहेगा, तीसरे फ्लैट पे कोई रहेगा, मतलब एक फैमिली फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फैमिली सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फैमिली थर्ड फ्लोर पे, ऐसे हमने बना दिया इस तरीके से। तो ये हमारी वर्टिकल अलाइनमेंट है कि हम कैसे रह रहे हैं, ठीक है। ऐसे जंगल में आप जाओगे तो जंगल में आपको ना अलग अलग अलाइनमेंट देखने को मिलेगी, यानी कि वो रेंडमली ऐसे जी रहे हैं, वो भी एक सिस्टमेटिक मैनर से ही जीते हैं, है ना, और हम इंसानों से तो काफी अच्छा ही जीते हैं वो, ठीक है। तो लाइक सबसे नीचे आपको मिल जाएंगे ग्रासेस वाला पार्ट, यहाँ पे ग्रास हॉपर्स हैं, ग्रासेस हैं, अर्थवॉर्म है, डेट्रिवोरस हैं, उसके ऊपर लेवल पे आपको मिलेंगे कुछ फर्न्स मिल जाएंगे, है ना, फर्न हो गए, मॉसेस हो गए, या थोड़े बड़े बड़े कैक्टस वगैरह, ओपेंशिया वगैरह हो सकते हैं। उससे और ऊपर जाओगे तो आपको मिलेंगे आपके हाँ शर्ब्स हो सकते हैं, हर्ब्स हो सकते हैं, या नॉर्मल प्लांट मीडियम साइज के ट्रीज हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो वो ट्रीज मिल जाएंगे आपको जिसपे बर्ड्स वगैरह आ रही हैं, तो ऐसे वर्टिकल अलाइनमेंट जो है वो मिली पड़ी है। और सबसे ऊपर क्या होगा आपके पास, कॉनिफर्स होंगे, ठीक है, ऐसे डिपेंड करता है। तो पहले हम बात करते हैं स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में, क्या है स्ट्रेटिफिकेशन, इट इज द वर्टिकल अलाइनमेंट, वर्टिकल अरेंजमेंट वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज एट अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। स्पीशीज ने अपने आप को कैसे अलाइन कर रखा है एक पर्टिकुलर एरिया में, उसे कहते हैं क्या, स्ट्रेटिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज द फ्लोर, तो एक ये फॉरेस्ट का सबसे नीचे वाला फ्लोर होगा जहां आपको ग्रासेस मिल जाएंगी, कुछ बेसिक ग्रास हॉपर्स वगैरह मिल जाएंगे, तो इट इज कॉल्ड एज अ फॉरेस्ट फ्लोर। इट इज कॉल्ड एज अ फॉरेस्ट फ्लोर। इसके ऊपर आपको थोड़े नॉर्मल साइज के फर्न्स जैसे मिल जाएंगे इस तरीके से,
ठीक है। इसके अलावा फिर आपको यहाँ पे इससे बड़े वाले प्लांट्स मिल जाएंगे इस तरीके से, फिर आपको और बड़े वाले ट्रीज मिल जाएंगे। तो ये पर अलग अलग अलाइनमेंट है ऐसे, यहाँ पे आपके पास एनिमल्स की भी अलाइनमेंट होगी, यहाँ पे कुछ आपके छोटे छोटे इंसेक्ट्स मिल जाएंगे आपको, है ना। तो हर चीज की अपनी खुद की एक अलाइनमेंट हो रखी है। नेचर इज वेल सस्टेन्ड, वेल डिसिप्लिन्ड, वेल मैनर्ड में अरेंज है। ऐसे नहीं कि नेचर इज लाइक समथिंग जिसे हम कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसमें आपको बड़े बड़े बर्ड्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको अलग अलग अरेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो दिस इज वॉट वी कॉल एज अ फॉरेस्ट फ्लोर। सबसे ऊपर वाले जो लेवल है उसे आप कहते हो क्या, कैनोपी। इसे आप कहते हो कैनोपी, जहाँ आपको बड़े बड़े ट्रीज मिल जाएंगे, ठीक है। और बीच का जो लेवल है इसे आप कहते हो क्या, यू कॉल दिस अंडर फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये तीन ऐसे अलग अलग लेयर्स होती हैं किसमें, स्ट्रेटिफिकेशन की। जो लेयर्स आप देख पा रहे हैं, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज अ स्ट्रेटिफिकेशन। ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको, फॉरेस्ट में। तो ये फर्स्ट, ये दूसरा लेवल है ना। ऐसी जितनी ज़्यादा स्पीशीज होंगे ना, जितने ज़्यादा लोग होंगे रहने वाले, उतने ही वर्टिकल अलाइनमेंट्स बढ़ती जाएंगी। तो आपको मैंने मैक्सिमम या फिर तीन या चार मैक्सिमम हो सकती हैं। तो वी कैन से नंबर ऑफ स्पीशीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेटा, नंबर ऑफ स्ट्रेटा कितना है वहां पे, ठीक है। पाइन है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं किसकी, स्पीशीज कॉम्पोजिशन की। तो स्पीशीज कॉम्पोजिशन में क्या आने वाला है, यहां पे आप देखोगे, यहां पे आपके पास आ जाएंगे कौन कौन सी स्पीशीज रहती है, किस किस तरह की स्पीशीज आपको देखने को मिल सकती है। तो विल से ऑन द बेसिस ऑफ देयर बायोटिक कॉम्पोनेंट्स की अगर हम बात करें, हमें दो तरह के कॉम्पोनेंट्स मिलेंगे इकोसिस्टम में। एक होगा आपका बायोटिक कॉम्पोनेंट, एक होगा एबायोटिक कंपोनेंट, है ना। एक होगा बायोटिक, एक होगा एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट्स में आपके पास आ जाएंगे जैसे कि प्रोड्यूसर्स हो गए सबसे पहले, है ना। बेस कौन होता है, जिस पर सारे के सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स सब डिपेंड करते हैं, वो है आपका बेस। एंड द बेस इज नथिंग बट द प्लांट्स, ठीक है। द सुपर हीरो प्रोड्यूसर्स जो है, दीज आर द प्राइमरी लेवल पे आते हैं ये। इसके बाद आपके आते हैं कंज्यूमर्स, ठीक है, जो कि आपके प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर्स आते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके होते हैं रेट्रीवोरस, इसके अलावा आपके होते हैं रेट्रीवोरस, ठीक है। तो तीन तरह की आपके पास अलग अलग स्पीशी या लिविंग कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें एबायोटिक की, तो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा जैसे कि टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, लाइट हो गई, सॉइल हो गया, ठीक है, वहां का पीएच कैसा है। तो ये चीजें जो है डिपेंड करती हैं एबायोटिक फैक्टर्स में। बायोटिक में आपने देखा कि यार लिविंग कॉम्पोजिशंस है जो आपको देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा आपको वहां पे ये तो हो गया आपके पास कौन सा एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। इसमें से टोपोग्राफी भी आ जाएगी, सॉइल के अंदर टोपोग्राफी किस तरह की है। टोपोग्राफी का मतलब है कैसी अलाइनमेंट है वहां पे लैंड की, कि लाइन कैसे अलाइंड हो रखी है, ठीक है। तो इट्स लाइक हिल्स बने हुए हैं या फिर आपके प्लेट्यू बने पड़े हैं वहाँ पे, है ना। क्या क्या चीज़ कैसी डिजाइनिंग है उस पर्टिकुलर हिल की, वो होता है क्या एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। अब बात करें प्रोड्यूसर्स के बारे में, कंज्यूमर्स के बारे में, डेट्रीवोरस के बारे में। तो प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, दे आर द प्राइमरी लेवल, जिसमें आपके कौन आएंगे, इसमें आपके आएंगे ग्रासेस आ जाएंगी, ठीक है। ग्रासेस या फिर अगर हम बात करें पानी के अंदर कौन है जो प्रोड्यूसर्स के लेवल पे आएगा, वो आएंगे आपके फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है। उससे अगर आप एक लेवल आगे आओगे तो उन्हें खाने वाले कौन है, तो अगर लैंड पे बात करूँ तो लैंड पे प्लांट्स को कौन खाते हैं, सबसे पहले ग्रास ऑपर्स खाते हैं, या फिर फ्रॉग खाएगा, मतलब ग्रास ऑपर खाएगा वो एक हर्बीवोरस है। ग्रास ऑपर को खाने वाला कौन है आपका, फ्रॉग है, वो एक कार्निवोरस है। उसे खाने वाला कौन है आपका, उसे खाने वाला आपके होंगे आपके ईगल्स हो सकते हैं या स्नेक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम अलाइनमेंट लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं पहले किसकी बात करता हूँ, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। बाकी मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ से बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की। तो इसमें मैं आपसे कहूँ कि बताओ एक्वेटिक में कौन आ रहा है और टेरेस्ट्रियल में कौन आ रहा है। तो आप कहेंगे सर जो टेरेस्ट्रियल है उसमें एग्जाम्पल्स आएगा आपका, इसमें एग्जाम्पल आपका आ जाएगा ग्रासेस, इसमें एग्जाम्पल आएगा एक्वेटिक में आपके फाइटोप्लैंकटन। फाइटोप्लैंकटन छोटे छोटे से, है ना, ऐसे यूनिसेलुलर फोटोसिंथेटिक
ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। दूसरा बात करूं मैं कार्निवोरस के बारे में, कार्निवोरस ना एक्चुअली दो तीन तरह के हैं। पहले होते हैं प्राइमरी कार्निवोरस, ठीक है, प्राइमरी कार्निवोरस जिसको आप हर्बीवोरस भी कहते हो, ठीक है। दूसरे होते हैं सेकेंडरी कार्निवोरस जिसको आप सेकेंड लेवल भी कहते हो, ठीक है। तो वी यू हैव द सेकेंडरी कार्निवोरस या सेकेंडरी कार्निवोरस, यहाँ पे कंज्यूमर्स लिख लो, है ना, आई एम सॉरी, जस्ट करेक्ट दिस पार्ट, इट्स कंज्यूमर, ठीक है। और कार्निवोरस नहीं, यहाँ पे कंज्यूमर्स आएगा, है ना। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर हर्बीवोरस, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर कार्निवोरस, सॉरी इट्स कंज्यूमर, ठीक है। फिर आएगा आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो कौन है, कार्निवोरस, ठीक है। ऐसे होते हैं आपके टर्शरी कंज्यूमर्स जिसे आप सेकेंडरी कार्निवोरस भी कहते हो, दीज आर प्राइमरी कार्निवोरस एंड देन वी हैव सेकेंडरी कार्निवोरस, ठीक है। तो इस तरीके से लेवल आएगा। अगर मैं डिफाइन करूँ यहाँ पे कौन आने वाले हैं, तो आप कहेंगे कि टेरेस्ट्रियल केस में प्राइमरी कंज्यूमर्स में कौन आएंगे, ग्रास ऑपर, ठीक है। इसमें कौन आएंगे सेकेंडरी कंज्यूमर्स में कौन आएंगे आपके, एग्जाम्पल्स आएगा, जैसे ग्रास ऑपर को खाने वाला कौन होगा, फ्रॉग हो सकता है, फ्रॉग को खाने वाला कौन होगा आपका, स्नेक हो सकता है या ईगल हो सकता है, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल्स इधर, तो ऐसे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये होते हैं कंज्यूमर्स, नॉट कार्निवोरस, इट्स कंज्यूमर्स, ठीक है, हो जाती है गलती। तो इट्स व्हाट वी हैव द प्रोड्यूसर्स, वी हैव कंज्यूमर्स, देन वी विल बी हैविंग द डेट्रिवोरस जो कि सैप्रोट्रोफिस होते हैं, और ये डेट्राइटस जो होता है ना आपके पास डिकम्पोजिशन के लिए जो रॉ मटेरियल है, जैसे लीफ टूट के गिर गई या कोई एनिमल मर गया, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को नेचर को वापस लौटाने के लिए, उसके लिए कौन एक्ट करते हैं, उसके लिए कौन काम करते हैं आपके, लास्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स वी कॉल देम एज अ डिकम्पोजर्स, ठीक है, डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो तीन कैटेगरीज है जो आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब आते हैं आगे, तो दिस इज समथिंग विच वी हैव डन अबाउट द स्पीशीज कंपोजिशन एंड द स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। अब आते हैं योगा स्ट्रक्चर के बारे में, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम, कि उसने उसको बनाया है, दिखता कैसा है स्ट्रेटिफिकेशन की वजह से, है ना। कौन कौन उसके अंदर है आप देख पा रहे हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं और डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शन की, क्या काम कर रहे हैं सारे मिलके, ऐसा क्या कर दे रहे हैं कि यार हमारा जो अर्थ है ये चल पा रही है, ठीक है। तो उसके चलने का मतलब ये नहीं कि भाग के निकल गई, ठीक है, चलने का मतलब सेल्फ सस्टेनेबल है, इतने सालों से अर्थ लिविंग है, जबकि बाहर से कोई ऐसा नहीं है कि जो ऊपर या स्पेस में बैठ के कुछ हमें भेज रहा है अर्थ के ऊपर कि हाँ भाई ये फ्यूल ले ले और चला अपनी गाड़ी को। जैसे गाड़ी कब चलती है, उसमें आप फ्यूल डालोगे तो वो चलती है आगे, है ना। लेकिन हमारी अर्थ, अर्थ में बाहर से कोई फ्यूल नहीं आ रहा है, अर्थ के अंदर ही है जो चल रहा है सब कुछ, है ना, और वो अपने आप को सेल्फ सस्टेनेबल कर पा रही है, ऐसा क्या है उसके अंदर, ठीक है। बात करते हैं उसकी, तो अगर मैं बात करूँ फंक्शंस के बारे में, तो ये चार फंक्शन जो है ये ऐसे फंक्शंस है जो परफॉर्म हो रहे हैं हमारी इस अर्थ पे, जिस कारण से हमारी अर्थ एक सेल्फ सस्टेनेबल मानी जाती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इकोसिस्टम। तो आप देखोगे पहला आपके पास क्या है, प्रोडक्टिविटी, हमारी जो अर्थ है वो या हमारा जो इकोसिस्टम है वो काफी मात्रा में प्रोडक्टिविटी बनाता है, जिस वजह से नए नए ऑर्गेनिजम्स जो पैदा हो रहे हैं उनका पेट भर पा रहा है, ठीक है। दूसरा डिकम्पोजिशन, जो लाइक कहते हैं ना कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम इज ऑल अबाउट योर इंटरेक्शन, कि हाउ यू आर इंटरेक्टिंग विद द नेचर। जब आप पैदा हुए आपने नेचर से बहुत कुछ लिया, जब आपकी डेथ होगी तो आप नेचर को वो सारी चीजें लौटा भी दोगे, तभी तो वो साइक्लिक मैनर में वापस चल पाएगा ना, अदरवाइज तो लेके और उड़ गए हवा में तो खाली हो जाएगा ना सब कुछ, है ना। तो इट्स लाइक आपने कुछ लिया उसको वापस दे दिया, जैसे बैंक में होता है, आप बैंक से पैसे ले रहे हो, बैंक को पैसे वापस दे रहे हो, इसलिए बैंक में पैसा काफी सारा इकट्ठा हो रखा है और वो कभी भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी है कि यार आपने जो खाना लिया था, जो प्रोडक्टिविटी आपने ली थी, मरने के बाद आपने उसको वापस भी दे दी। डिकम्पोजिशन में क्या होगा, आपका जो भी एनर्जी है वो वापस जाएगा, ठीक है, एनर्जी फ्लो, और वो वापस कैसे जाएगा, उस एनर्जी फ्लो के चक्कर में, जो कि होगा फूड साइकिल। तो फूड साइकिल में हम जानेंगे किस तरीके से एनर्जी फ्लो होता है, और एनर्जी फ्लो से जो चीजें हमने नेचर से ली थी वो चीजें वापस नेचर को लौटा देते हैं एट द लास्ट, ठीक है। और लास्ट आपके पास न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, तो इसमें जो चीजें आपने ली है नेचर से वो आपने नेचर को वापस भी दे दी है,
लेकिन बचे हुए न्यूट्रिएंट्स जो थे ना, जैसे मिनरल्स हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, है ना, आपकी जैसे आप, मैं आपसे बात करूँ, नाइट्रोजन, द बिगेस्ट रिजर्वॉयर ऑफ नाइट्रोजन इज नथिंग बट द एटमोसफेयर। एटमोसफेयर में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है, 71%, तो वो एक सबसे बड़ा रिजर्वॉयर है। वो किसी को दे नहीं रहा है, लेकिन उसी में काफ़ी सारी नाइट्रोजन जो इकट्ठी हो रखी है, जिसको जरूरत होगी उसको दे दी जाएगी। तो वो एक न्यूट्रिएंट साइकिल का पार्ट है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। इन चारों टर्म्स के नाम एनसीईआरटी में एज इट इज लिखे हुए हैं, लेकिन साथ साथ में एक और बात लिखी हुई है कि प्रोडक्टिविटी इज एक्टिंग एज अ इनपुट। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इज एक्टिंग एज अ इनपुट, मतलब कि ये कुछ इनपुट दे रही है, धक्का मार रही है हमारी इस अर्थ को सस्टेनेबल बनाने के लिए, कुछ बना के दे रही है। डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन और एनर्जी फ्लो में आप देखोगे यहां पे क्या चल रहा है, यहां पे आप कहेंगे यहां पे आउटपुट निकल रहा है ना, एनर्जी फ्लो से या फिर डिकम्पोजिशन से जो भी हमने लिया था, अब वो वापस से निकल जा रहा है, बॉडी से बाहर निकल रहा है, मतलब आउटपुट हो रहा है, ठीक है। और न्यूट्रिएंट साइकिल में क्या हो रहा है, अगेन साइक्लिक चेंजेस हो रहे हैं, जिससे कि ये अर्थ सस्टेन कर पा रही है। इन तीन चार कारणों की वजह से हमारी अर्थ या हमारा इकोसिस्टम जो है वो कैसा है, सेल्फ सस्टेनेबल है, इट इज सेल्फ सस्टेनेबल। तो आइए बात करते हैं फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रोडक्टिविटी के बारे में, है ना, कीपिंग द फर्स्ट हेडिंग हियर, दैट इज प्रोडक्टिविटी। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका डिकम्पोजिशन के बारे में, पहले हम पढ़ते हैं प्रोडक्टिविटी के बारे में। क्या होती है प्रोडक्टिविटी, इट इज द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस, क्या है ये, व्हाट इज प्रोडक्टिविटी, इट इज द अमाउंट ऑफ, इट इज द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस। प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया, या यूनिट को तो आप कैसे डिफाइन करोगे, कर सकते हो ना, पर यूनिट एरिया, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, कैसे डिफाइन होगा कि यार एक पर्टिकुलर एरिया में आपने कुछ, मान लो हम कैच करते हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितना बायोमास बना, कितना अमाउंट में न्यूट्रिशन बन के हमारे पास तैयार हुआ जिसको हम यूज कर सकते हैं। इट्स जस्ट लाइक अ फार्म, जैसे एक फार्मर होता है, वो क्या करता है, वो नोटिस करता है कि यार पूरे फार्म में इस बार कितना कल्टिवेशन हुआ है, उस हिसाब से मैं पैसे कमा पाऊंगा, उस हिसाब से मैं इसको बेच पाऊंगा, उतनी रेट में रखूंगा इस चीज की, तो ऐसे डिसाइड होते हैं काफी सारे फैक्टर्स। तो ऐसे प्रोडक्टिविटी पे ही ये डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन कितनी होगी, है ना, कितनी स्पीशीज वहां पर रहने वाली है, कितनी डाइवर्सिटी वहां देखने को मिलेगी आपको, ये सारी बातें डिटरमाइन होती है किसकी वजह से, प्रोडक्टिविटी की वजह से। ठीक है, तो कितना वहां पे अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड है। ये बायोमास जो है ये काफी मजेदार चीज है, काफी काम की चीज है। बायोमास की यूनिट क्या होती है, मीटर या ग्राम पर मीटर स्क्वायर, या फिर किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर, यह है यूनिट किसकी, आपके बायोमास की, कितना खाद, कितना खाना बन रहा है, उसे कहते हैं बायोमास। ठीक है, अब आप कहेंगे कि जो प्रोडक्टिविटी है ना, अच्छा ये तो हो गया बायोमास के बारे में, बायोमास क्या होता है, इतना यूनिट जो है बायोमास की यूनिट है, लेकिन मैं बात करूं प्रोडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, प्रोडक्टिविटी इज द रेट, ये स्पीड है या फिर ये रेट है कि भाई किस रेट से खाना बन रहा है, बायोमास इज द खाना बन रहा है, लेकिन कितनी स्पीड से बन रहा है वो है प्रोडक्टिविटी। तो आप कहेंगे इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी ग्राम मीटर स्क्वायर पर ईयर, एक साल में आपने टाइम इंक्लूड कर दिया, याद है क्लास 9th 10th में हम क्या करते हैं, जब हम रेट लगाते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज व्हाट, वेलोसिटी। तो रेट जो होता है ना, मतलब स्पीड की बात हो रही है, तो वही चीज है यहाँ पे कि यार आपने समय को भी काउंटर कर लिया है, रेट के साथ क्या लगाते हो, आप समय लगा देते हो, है ना, कि आप लाइक इफ यू वांट टू, थोड़ी सी फिजिक्स बता रहा हूँ मैं आपको ना, अगर आपको आपको वेलोसिटी निकालनी है तो सिंपली आप क्या करते हो, डिस्टेंस को डिवाइड करते हो टाइम से, तो टाइम को आप बीच में लेके आ गए ना, टाइम का फैक्टर आ गया, टाइम का फैक्टर आएगा मतलब आप रेट निकाल पाओगे। तो प्रोडक्टिविटी की यूनिट क्या होगी, प्रोडक्टिविटी की यूनिट होगी आपकी ग्राम मीटर स्क्वायर, जो कि यूनिट थी बायोमास की, कितने समय में बन रहा है वो आप जोड़ दो बस यहाँ पे। Why I'm focusing so much on this part? Because इससे पी वाई क्यूज बनते हैं काफी सारे, है ना, इससे काफी नीट में पी वाई क्यूज बने हैं, इसलिए मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी पे क्वेश्चन आए हैं काफी सारे और आएंगे भी, या तो इसकी यूनिट होगी या फिर इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी किलो कैलोरीज मीटर स्क्वायर, जो बायोमास था, और टाइम इसमें इंक्लूड कर दूँ।
पर ईयर, ठीक है। तो ये हो गए इसके यूनिट्स, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो इसमें आपको दो टॉपिक्स पढ़ सकते हो प्रोडक्टिविटी के अंदर। क्या है वो दो टॉपिक्स? पहला जीपीपी, दूसरा एनपीपी। जीपीपी इज व्हाट? ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और दूसरा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? इट इज द टोटल बायोमास, इट इज टोटल बायोमास। एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या? इट इज द नेट बायोमास, बायोमास लेफ्ट आफ्टर रेस्पिरेटरी लॉस, ठीक है। समझो इसको, एक पर्टिकुलर एक फार्म में एक ईल्ड में कुछ प्लांट्स हमने लगाए, मान लो 100 प्लांट लगाए, उन 100 प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके कितना खाना बना दिया, कितना अमाउंट ऑफ शुगर या कितना अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बना के हमें दिए हैं, उसे कहते हैं क्या? जीपीपी। इट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो टोटल बायोमास कितना बना है इन प्लांट्स के द्वारा सनलाइट को देखते हुए, कि भाई अगर इस पर इतनी सनलाइट पड़ी है तो इतनी सनलाइट के हिसाब से इतना खाना बनना चाहिए था, वो इतना खाना बन गया है। लेकिन आपको लगता है कि वो सारा का सारा खाना प्लांट आपको दे देंगे कि हाँ भाई हम आपने हमको लगाया है तो ये सारा खाना आपको हमने दे दिया? नहीं, ये प्लांट्स भी तो कुछ खाना इस्तेमाल करेंगे ना भाई। घर पे अगर पार्टी हो रही है, आपने मम्मा को कहा कि मम्मी मेरे दोस्त आने वाले हैं और पार्टी करनी है आज, तो खाना बनाना, अच्छा अच्छा मम्मी ने लगाया चाटा, नौकर लग रही हो क्या मैं तेरी, ठीक है। तो प्यार से बोलोगे कि आज यार मेरे दोस्त आ रहे हैं थोड़ा सा खाना बना लेना, ठीक है। तो अब खाना जब बनेगा तो क्या ऐसा है कि सारा का सारा खाना तुम और तुम्हारे दोस्तों के लिए बनेगा? नहीं, उसमें से कुछ खाना जो है वो मम्मा और डैडी अपनी आपकी फैमिली के लिए भी कुछ खाना बचेगा ना रात को भाई। ये नहीं कि आपकी पार्टी के लिए अलग खाना बन रहा है, घर के लिए अलग खाना बन रहा है, एक ही बार खाना बनेगा मम्मी ने बोला, ठीक है। अब उसमें से फैमिली भी डिनर करेगी और तुम्हारे दोस्त वोस्त में जो करना हो वो दोस्त वोस्त पार्टी वार्टी कर लेना अपना बैठ के। तो उसमें से जिसने खाना बनाया कुछ खाना अपने लिए भी तो रख ही लिया ना इस्तेमाल करने के लिए, बाकी बचा हुआ खाना दे दिया आगे। तो टोटल जो खाना बना था वो था ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब उसमें से कुछ खाना फैमिली ने रख लिया अपने लिए, मतलब प्लांट्स ने खुद के लिए इस्तेमाल, खुद की एनर्जी के लिए, प्लांट भी तो ग्रो करेगा ना, तो उसने कुछ खुद कुछ खाना अपने खुद की ग्रोथ के लिए रख लिया, उसे कहते हैं रेस्पिरेटरी लॉस, RL। तो रेस्पिरेटरी लॉस, तो मैं कह सकता हूँ कि जो एनपीपी होगी उसकी वैल्यू क्या निकलेगी? उसकी वैल्यू आएगी जीपीपी में से टोटल जितना खाना बना था उसमें से माइनस कर दो रेस्पिरेटरी लॉस, कितना उस प्लांट ने खुद के लिए यूज कर लिया, और जो बच गया वो होगा आपका एनपीपी, जो बच गया वो होगा आपका एनपीपी। तो एनपीपी इज व्हाट? जीपीपी माइनस आरएल, ये हो गया आपका फॉर्मूला किसके लिए? एनपीपी के लिए। इससे आते हैं क्वेश्चंस, इससे आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, बात आ गई समझ में? ये हो गया आपका फॉर्मूला। आई थिंक ये एनपीपी और जीपीपी आपको समझ में आ गया होगा, और ये है आपका कौन सा टॉपिक? दिस इज द टॉपिक ऑफ प्रोडक्टिविटी, कितनी प्रोडक्टिविटी बनती है, उसके यूनिट क्या है, क्या होती है प्रोडक्टिविटी और किस किस तरह की होती है, मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। सिंपल, सुपर, क्लियर। अब जो प्लांट्स ने खाना बनाया उसे कहते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब वो खाना कौन खाएगा? प्लांट्स को कौन खाएगा? कार्निवरस खाएंगे, हर्बीवरस खाएंगे। अब जब हम एनिमल्स पे मूव कर जाएंगे ना, तो जो एनिमल्स खाना खा रहे हैं, है ना, अब जैसे मान लो यहाँ पे थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो कि एक प्लांट था, इस प्लांट ने खाना बना दिया, इट इज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब जो सबसे बड़ा पेट भरने वाला कौन है, सबसे बड़ा पेट भरने वाला कौन है, वो है ही प्लांट। इसे कौन खाएगा? इसे खाएगा कोई एनिमल, तो एनिमल नंबर वन ने खा लिया इसको। अब एनिमल वन के अंदर भी तो कुछ खाना चला गया ना, ये भी तो एक खाने का सोर्स ही है, इसके पास भी तो खाना है। अगर दूर से देखोगे तो ये भी तो एक चिकन डिनर है ना, ये भी तो एक चिकन डिनर है। जैसे हम क्या खाते हैं, मान लो कोई चिकन खा रहा है, वो चिकन क्यों खा रहा है? क्योंकि चिकन के पास भी तो कुछ ना कुछ खाना हो, मतलब न्यूट्रिएंट्स होंगे ना। हालांकि वी ऑल आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स, हम कहें कि यार हमने चिकन खाया, लेकिन हम चिकन तो खाया ही नहीं, चिकन जो बना है वो भी तो कैसे बना होगा, वो भी तो प्लांट खा के ही बना है ना चिकन भी। तो प्लांट का कुछ एनर्जी चली गई किसके पास? चिकन के पास। चिकन को खाया किसी और ने, तो अल्टीमेटली तो उसने प्लांट को ही खाया ना। तो ये पूरी एक साइकिल है ना, चिकन डिनर को ज्यादा ही हो गया, बट प्लांट इज द वन हु इज प्रोड्यूसिंग द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसके अलावा सारे जो एक दूसरे का खाना बनते जा रहे हैं, इसे खाया किसी दूसरे एनिमल ने, इस दूसरे एनिमल को खाया किसी तीसरे एनिमल ने,
तो ये भी तो कहना है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना अपनी एनर्जी में, ये भी तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं नेचर में कुछ एनर्जी प्रोवाइड करने में, तो इट इज एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फॉर दिस पर्टिकुलर एनिमल। तो वी कैन से ये सारे जो होंगे ये होंगे आपके सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के एग्जाम्पल्स, ये होंगे आपके सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के एग्जाम्पल्स, ठीक है, ये होंगे आपके सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो वी आर डन विद दिस टॉपिक ऑफ प्रोडक्टिविटी, आते हैं नेक्स्ट जो कि है डीकम्पोजिशन, इसकी बात करते हैं। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है डीकम्पोजिशन, बिकॉज सोचो कि यार नेचर में प्रोडक्टिविटी बनती जा रही है, लोग खा रहे हैं, प्लांट्स खा रहे हैं, एनिमल्स खा रहे हैं, और खा के इकट्ठे हो जा रहे हैं, और उनकी डेथ हो गई, डेथ होने के बाद जो रॉ मटेरियल बचा है, जो उनकी बॉडी बची है, वो ऐसी कैसी एक्यूमुलेट होती जा रही है हमारी अर्थ पे, ये तो पहाड़ बन जाएगा, जैसे प्लास्टिक का बनते जा रहा है, प्लास्टिक को डिग्रेड करने वाला कोई है ही नहीं, तो प्लास्टिक इकट्ठा हो के पूरा कूड़ेदान का इकट्ठा बन गया, पहाड़ बन गया, है ना। तो सेम चीज़ है कि अगर कोई मतलब हम लोग जो है हमने नेचर से ऑर्गेनिक मटेरियल्स लिए थे, बॉडी के अंदर रखे जब तक जिंदा रहे, और जैसी डेथ हुई तो वो ऑर्गेनिक मटेरियल वापस से अर्थ के पास पहुंचने भी तो चाहिए ना, नेचर के पास वापस जाने चाहिए ना, तो उसे कौन वापस लेके जाएगा, वो है ये डिकम्पोजर्स। तो वी कैन से डिकम्पोजर्स क्या है, दीज आर द ये डेट्रिवोरस होते हैं जो कि रॉ मटेरियल्स को, या फिर जो जैसे एक पेड़ से पत्ती गिर गई या कोई एनिमल कोई इंसेक्ट मर गया, तो उसको वापस उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को वापस से नेचर के पास पहुंचाएंगे, ठीक है। इफ दिस इज द नेचर, इस नेचर से जब हम पैदा हुए तो हमने कुछ चीजें ली, कुछ न्यूट्रिएंट्स लिए एक्स अमाउंट के, ठीक है, लेकिन जब हमारी डेथ होगी तो डेथ होने के बाद उन सभी न्यूट्रिएंट्स के एक्स अमाउंट के न्यूट्रिएंट्स को हमें वापस से हमारे इस अर्थ के पास पहुंचाना है। इसमें कौन इस्तेमाल होते हैं, आपके डेट्रिवोरस इस्तेमाल होते हैं। तो वी कैन से फ्रेगमेंटेशन, अच्छा इसमें चार स्टेप्स होते हैं फ्रेगमेंट डिकम्पोजिशन के। पहला स्टेप है फ्रेगमेंटेशन, दूसरा स्टेप है कैटाबोलिज्म, तीसरा है लीचिंग। बात करते हैं इन स्टेप्स के बारे में। सबसे पहला फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ डेट्राइटस। डेट्राइटस क्या होता है, रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के लिए जो रॉ मटेरियल है उसे आप कहते हो क्या, डेट्राइटस, ठीक है। कि मान लो कोई इंसेक्ट अगर मरा पड़ा है, ये इंसेक्ट है जो मरा पड़ा है, तो ये इंसेक्ट एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर डेट्रिवोरस काम कर सकते हैं और इसको तोड़ सकते हैं। तो रॉ मटेरियल, कुछ ऐसा रॉ मटेरियल जो कि डिकम्पोजिशन के लिए रेडी है, अब इसे डिकम्पोज कर सकते हैं हम लोग, इसे कहते हैं क्या, डेट्राइटस, ठीक है। तो डेट्राइटस पे कौन काम करते हैं, डेट्रिवोरस काम करते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। डेट्रिवोरस एक्ट अपॉन डेट्राइटस, एक्ट अपॉन डेट्राइटस, बात क्लियर है, ठीक है, दे एक्ट अपॉन डेट्राइटस। तो इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू द स्मॉलर पार्टिकल्स बाय डेट्रिवोरस, एग्जांपल अर्थवर्म, एग्जांपल कैटरपिलर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप आएगा कैटाबॉलिज्म, इट इज द डिग्रेडेशन ऑफ डेट्राइटस इनटू द सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया एंड सम फंगल एंजाइम्स। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक सॉइल थी, इस सॉइल में हमारे पास क्या है, ये कोई एक ऑर्गेनिज्म जो था, तो सबसे पहले इस ऑर्गेनिज्म को हमने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा, किसने तोड़ा, डेट्रिवोरस ने, तो इट इज नाउ अ डेट्राइटस, मतलब ये एक तैयार है, ये एक ऐसी चीज है जिसपे डिकम्पोजर्स काम कर सकते हैं। तो इस पे कौन आए, इस पे आपके अर्थवर्म आ गए। तो वी कैन से सबसे पहला काम इस पे किसने किया, डेट्रिवोरस पे, इन डेट्रिवोरस को आप कहोगे कि इन्होंने क्या कर दिया, फ्रेगमेंटेशन पहला काम कर दिया, इसको सिंपल पीसेस में तोड़ दिया, इसको सिंपल पीसेस में तोड़ दिया, बात आ रही समझ में, इसको सिंपल पीसेस में तोड़ दिया, ये देखो टूट गया सिंपल पीसेस में। अब इस पे कौन काम करेंगे, अब इस पे काम करने वाले हैं आपके सेकंड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि हैं आपके फंगस या फिर बैक्टीरिया, जो कि इसको और अब इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में तोड़ देंगे, अब इसको फादर तोड़ देंगे इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर, दीज आर इन ऑर्गेनिक
सब्सटेंस, जैसे इसके अंदर NO2 होगा, अमोनिया होगा, तो इसको अमोनिया में तोड़ दिया है ना, तो इसके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को निकाल रहे हैं। कौन कर रहे हैं इस पे काम? तीसरे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो कि है फंगस या बैक्टीरिया, जो कि है फंगस या बैक्टीरिया। और इस प्रोसेस को कहते हैं क्या? वी कॉल दिस प्रोसेस एज अ कैटाबॉलिज्म। ठीक है, अब कैटाबॉलिज्म होने के बाद इसमें कुछ और चीजें भी होंगी। अब ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है ना, पहले आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस टूटते हैं, फिर आपके इनऑर्गेनिक सब्सटेंस टूटते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद होगा या इसी में ना आपके दो तीन प्रोसेस और आ जाते हैं, मैं यहां लिख देता हूं इस चीज को। सबसे पहले क्या हुआ? डेट्रिवोरस ने इसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ दिया। डेट्रिवोरस कौन थे? अर्थवर्म या कैटरपिलर। फिर इस चीज को तोड़ा आपके फंगस और बैक्टीरिया ने छोटे छोटे पार्टिकल्स में। लेकिन यहां से यहां तक के बीच के जो सफर है, यहां से यहां के बीच का जो सफर है आपके पास है ना, ये आपका सेकंड आएगा, नॉट थर्ड। इस सफर के बीच में ना दो स्टेप्स और आते हैं जिसे आप कहते हो ह्यूमिफिकेशन, जिसे आप कहते हो ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। भाई आपने तो देख लिया कि यार सिंपली ये बड़े बड़े पार्टिकल्स थे जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में टूट गए, लेकिन पहले ये पार्टिकल्स एक्चुअली ऑर्गेनिक सब्सटेंस में टूटे होंगे और फिर वो आगे टूटे होंगे इनऑर्गेनिक के अंदर। तो वो स्टेप होता है कौन सा? ह्यूमिफिकेशन का। ह्यूमिफिकेशन में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। अब सर ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस एक ऐसा पाउडरी कोलोइडल व्हाइट ये डार्क कलर का सब्सटेंस है जिसपे कोई माइक्रोब्स काम नहीं कर सकता। ये फूड का रिजर्वॉयर होता है और स्लाइटली एसिडिक होता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूँ ह्यूमस के बारे में, तो जैसे देखो आपको पता है ना कि हम ह्यूमंस के अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे हमारे पास क्या है? कार्ब्स हैं, यहाँ समझा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, कार्ब्स हैं, और सिंपलर फॉर्म क्या होती है कार्ब्स की? CHO, जो मिनरल्स होते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये हो गई कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये हो गई सिंपल ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक भी नहीं कहोगे इसको आप, सिंपली कहोगे मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं या आपके एटम्स बन चुके हैं। तो इसके बीच की जो स्टेज है, जो प्रॉपरली कॉम्प्लेक्स भी नहीं है और प्रॉपरली टूटा भी नहीं है, लेकिन जो बीच की स्टेज है उसे आप कहते हो क्या? ह्यूमस। उसे आप कहते हो ह्यूमस। और ये कैसा होता है? डार्क कलर का होता है, एमॉर्फस होता है, कोलोइडल होता है, माइक्रोब्स काम नहीं कर सकते इसके ऊपर, और स्लाइटली एसिडिक है, और इसमें न्यूट्रिएंट्स रिजर्वड होते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस इज व्हाट? ह्यूमिफिकेशन। फिर क्या होगा? फिर इस ह्यूमस को और तोड़ेंगे, और कैसे? ऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ देंगे। ठीक है, तो वी कैन से ब्रेक डाउन ऑफ ह्यूमस इनटू सिंपल मिनरल्स। उनका सिंपल मिनरल्स में टूट जाना, जैसे जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनका आपके पास CO2 में, NH3 में, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में टूटना, इस कॉल एज अ मिनरलाइजेशन। और इसके बाद आपका स्टेप कंप्लीट होता है कौन सा? कैटाबॉलिज्म का। फिर आता है आपका लीचिंग वाला स्टेप, तो ये हो गया आपका दूसरा स्टेप, ये हो गया तीसरा स्टेप, ये हो गया चौथा स्टेप कायदे से देखा जाए तो, और फिर होगा आपका पांचवा स्टेप जिसमें आप देखोगे कि ये जो न्यूट्रिएंट्स थे ये नीचे मूव कर जाएंगे। ये न्यूट्रिएंट्स जो है ये सॉइल के नीचे मूव कर जाएंगे, सॉइल के अंदर। इसे कहते हैं लीचिंग, पानी की मदद से। भाई जो भी हमने अल्टीमेटली लिया था हमारे इस नेचर से, हमने उसको वापस लौटा दिया विद द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, ये हो गया आपका लास्ट स्टेप, पांचवा स्टेप विच इज लीचिंग। एक बार वापस सारी बातें रिपीट कर रहा हूँ, सुनना मेरी बात को ध्यान से। सबसे पहला स्टेप क्या हुआ डिकम्पोजिशन में? सबसे पहले आपने देखा कि डेट्रिवोरस ने काम करना स्टार्ट किया किसके ऊपर? डेट्राइटस के ऊपर। डेट्राइटस क्या है? रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो पहले इस बड़े से अर्थवर्म या जो भी इंसेक्ट था उसको तोड़ा किसने? अर्थवर्म और कैटरपिलर ने, है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब इसको और सिंपल पार्ट्स में तोड़ना इस व्हाट वी कॉल एज अ कैटाबॉलिज्म, जहां पे दो स्टेप्स आएंगे, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। ह्यूमिफिकेशन में ह्यूमस की फॉर्मेशन होगी, और मिनरलाइजेशन में आपकी क्या होगा? ब्रेकडाउन ऑफ ह्यूमस होने वाला है। ठीक है, तो ह्यूमस क्या है? ह्यूमस इज अमॉर्फस, डार्क कलर, कोलोइडल, रेसिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, है ना, और इसके अलावा पीएच कैसा होता है इसका? स्लाइटली एसिडिक।
और ये रिजर्वॉयर ऑफ फूड भी होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना इसके। और फिर आएगा आपके पास क्या, जैसे आपका कैटाबॉलिज्म कंप्लीट हुआ इसके बाद आएगा लीचिंग, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गोज डाउन इनटू द सॉइल हॉरिजॉन बाय प्रेसिपिटेशन, मतलब पानी की मदद से वो सॉइल के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, और फिर वापस से उसको प्लांट्स खींच लेंगे और वापस से ये साइकिल जो है चलती रहेगी। दिस इज ऑल अबाउट डिकम्पोजिशन, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिकम्पोजिशन को रेगुलेट करते हैं, पहला आपके पास होगा डिकम्पोजिशन इज स्लो व्हेन डेट्राइटस इज रिच इन लाइकन लेगनिन और काइटिन्स और सुब्रिन भी एंड सुब्रिन। अगर ये सब्सटेंस ज्यादा होंगे किसमें, एक डेट्राइटस के अंदर, तो उसका डिकम्पोजिशन रेट कैसा होगा, स्लो हो जाएगा। इट इज क्विकर इन डेट्राइटस रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर, अगर को उस डेट्राइटस में नाइट्रोजन और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस ज्यादा हैं तो उसका डिकम्पोजिशन रेट इंक्रीज हो जाएगा, इनकी वजह से कम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर टेम्परेचर ज्यादा है, वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरमेंट है, तो इट इज फेवरेबल कंडीशंस फॉर डिकम्पोजिशन, तो इंक्रीज होगा। लो टेम्परेचर पे और अनएरोबिक कंडीशंस में आपका डिकम्पोजिशन रेट कम हो जाता है। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा आते हैं आपके एनर्जी फ्लो, जो कि तीसरा फंक्शन है किसका, इसके इकोसिस्टम का। तो पहला हमने पढ़ लिया प्रोडक्टिविटी, दूसरा पढ़ लिया डिकम्पोजिशन, अब आते हैं तीसरे एनर्जी फ्लो, है ना। बस ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर के, कौन सा, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। इसके बाद हम मूव करेंगे आपके सक्सेशन पे, और दिस इज हाउ वी विल एंड दिस चैप्टर। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, एनर्जी फ्लो के बारे में। तो भाई आइए अब चर्चा कर लेते हैं हमारे एनर्जी फ्लो के टॉपिक के ऊपर। तो देखो, एनर्जी फ्लो में हमें दो बातें पढ़नी है, पहली बात हम बात करेंगे फूड चेन के बारे में, और दूसरा हम जानेंगे कि यार जितनी भी एनर्जी आ रही है सनलाइट से, प्लांट उसका कितना प्रतिशत यूज कर रहा है, कितना खाना बनाने में इस्तेमाल कर रहा है। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं पहले वाले दूसरे वाले पार्ट के साथ, जो कि है आपको पता है कि यार सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो यहां से आप जानते हैं कि सनलाइट आ रही है हमारी अर्थ पे। अब पहला सवाल, क्या सारी की सारी सनलाइट जो कि सन से निकल रही है क्या वो अर्थ पे पहुंच पाती है, तो नहीं है ना। प्लांट्स के पास कितनी सनलाइट पहुंच पाती है जो कि सूरज से निकली थी, 50% से भी कम। बाकी कुछ जो है डिस्फ्रैक्ट कुछ डिस्पर्स हो जाएंगी, कुछ आपके प्लैनेट पे पहुंच ही नहीं पाएंगी, है ना। तो दिस इज समथिंग विच इज गोइंग टू हैपन। तो मान लो अगर ये हमारा प्लांट है, तो इस प्लांट तक कितनी एनर्जी पहुंच पा रही है, तो वी कैन से अगर हम PAR की बात करें, विच इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन, कितनी सनलाइट प्लांट तक पहुंच पाई है, तो वो है कुछ लेस देन 50%, 50% से भी कम। ठीक है, अब जो एनर्जी पहुंची, मान लो 50% पहुंची, अब ये 50% में से भी आप देखोगे, इस 50% का भी 45-49% जो है वो एज अ एनर्जी लॉस हो जाएगा। क्या मतलब है इस बात का, कि भाई प्लांट जितनी भी सनलाइट एब्जॉर्ब करता है ना, उसका 90-98% तक एनर्जी को वो वैसे छोड़ देता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, और सिर्फ बची हुई 1-2% एनर्जी को वो इस्तेमाल करेगा। तो कितनी बची, 50% आई थी, उसमें से 45-49 चली गई है, बची कितनी, बचेगी आपके पास कुछ 1-5%। अब ये जो 1-5% है, क्या मैं इसे GPP कह सकता हूं, मतलब इसी एनर्जी को वो यूज कर रहा है अपना खाना बनाने के लिए, इसी एनर्जी को वो यूज कर रहा है अपना खाना बनाने के लिए। बस इतनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की है ना, 100% आई थी, उसमें से 1-5% एनर्जी को ही वो एब्जॉर्ब कर पाया, इससे वो खाना बनाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि इस खाना बनाने के दौरान भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी एज अ रेस्पिरेटरी लॉस चले जाएगा, और वो कितना रेस्पिरेटरी लॉस होगा, वो आप कहेंगे कि इस एनर्जी में से भी कुछ आप कह सकते हो कि 0.2-1% तक एनर्जी लॉस होगा, और बचेगी कितनी, कुछ बची हुई एनर्जी जो बचेगी यहां पे वो होगी 0.8-4%। ठीक है, इतनी एनर्जी जो बची है, इसे आप कहते हो एज अ एनपीपी, इसे आप कहते हो एज अ एनपीपी। तो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी जो बची है, दिस इज गोइंग टू बी यूज एज अ प्रोडक्शन ऑफ फूड। तो इस एनर्जी से खाना बनाया जाएगा, जो कि अवेलेबल होगा किसी दूसरे ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिजम्स के लिए, लाइक प्लांट्स के लिए, या सॉरी किसी हर्बीवोरस के लिए, कार्निवोरस के लिए अवेलेबल, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल होगी। बनाई कितनी थी, 1-5%। रेस्पिरेटरी लॉस कितना हो गया आपके पास, 0.2-1% तक क्या हो गया, रेस्पिरेटरी लॉस हो गया। ठीक है, इसको एक तरीके से और कैलकुलेट किया जाता है कि मान लो कि ये जो एनर्जी इस प्लांट के पास आई थी, हम जानते हैं कि हमारा अर्थ जो है कि एक क्लोज सिस्टम है, तो हम बाहर की चीजों को ना देखते हुए अगर हम ये बात करें कि मान लो जो 50% एनर्जी प्लांट के पास आई है, इसी को मैं मान लो कि 100% है उस प्लांट का। भाई आपने, मैंने आपसे कहा कि मैं तुम्हें 1000 रुपीज दूंगा,
अब वो 1000 रुपीज मैं कहां से लेके आया, उससे तुम्हें क्या मतलब? तुम्हें 1000 रुपीज मिल रहे हैं तो दैट इज गोइंग टू बी योर फुलफिल, वो आपका 100% अमाउंट हो गया, ठीक है। मैं कहां से लेके आया या मुझे कहीं और से कितने पैसे मिले, मैं उसका कितना परसेंट तुम्हें दे रहा हूं, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऐसी वाली कुछ सीन यहाँ पे कहानी चल रही है। तो मान लो उस 50% को हम क्या कह रहे हैं कि भाई प्लांट को इतना ही मिल रहा है तो ये उसके लिए 100% है। नाउ आई कैन से हियर कि इसको एक तरीके से और कैलकुलेट किया जा सकता है कि मान लो ये जो अमाउंट था पी ए आर, इसको अगर मैं 100% मान लूं तो क्या आप अगेन ऐसी ही कैलकुलेशन इसके लिए बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाओगे? देखो आप कहोगे कि यार 100% का यहाँ पे कितना था, 50% का 45 से 49% जा रहा था, तो यहाँ पे कितना जाएगा? यहाँ पे जाएगा आप कह सकते हो 90 से 98% तक चला जाएगा, है ना। इतना चले, इसका डबल कर दोगे ना भाई, 50 का 100 किया तो इनका भी डबल कर दो, तो इतना एनर्जी जो लॉस हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी लॉस हो जाएगा, बचेगा कितना? आप कहेंगे यहाँ पे कुछ बच जाएगा हमारे पास, कितना एनर्जी? कुछ 2 से 10%। अब इस 2 से 10% की क्या है, आपका जीबीपी हो गया, जीबीपी। अब इसका भी कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एज अ रेस्पिरेटरी लॉस जाएगा, रेस्पिरेटरी लॉस वो कितना होगा, वो आप कहेंगे इसका यहाँ पे 0.2 से 1%, यहाँ पे 0.4 से 2% होगा, तो 0.4 से 2% तक एनर्जी रेस्पिरेटरी लॉस होगा, तो बचेगा कितना उसके पास? बच जाएगा कुछ, आप कह सकते हो 1.6 से 8%। ये हो गया आपका एनपी। तो आप इस तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट टॉपिक लेवल, और ये क्या है, ये आपका रेस्पिरेटरी लॉस है, ठीक है, ये हो गया रेस्पिरेटरी लॉस। तो इस दो तरीके से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, और मैं चाहूं तो इसको नीचे भी ला सकता हूं। ठीक है, देखो आगे, तो दिस इज समथिंग वी आर डन विद, और ये वाला पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, जो कि था हमारा सबसे पहला पार्ट, दैट इज एनर्जी फ्लो, किस तरीके से एनर्जी का फ्लो होता है। आप चाहे तो इस वाले पार्ट को रीड भी कर सकते हैं, बट आई डोंट सजेस्ट इसको आप रीड करो, आप बस वहीं से समझो जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपके फूड एनर्जी फूड चेन के बारे में बात करते हैं इसके बारे में, फूड चेन के बारे में, ठीक है। तो फूड चेन में आपको ध्यान रखना है कि दो तरह के फूड चेन हम पढ़ेंगे, एक होगा ग्रेजिंग फूड चेन, एक होगा आपका डेट्राइटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन इज टेरेस्ट्रियल फूड चेन जो नॉर्मली चलती है प्लांट्स एनिमल्स के बीच में, तो इसमें एग्जांपल आप लोगे या तो एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल, हम बात कर रहे हैं टेरेस्ट्रियल के बारे में। एक्वेटिक इतने डिफाइंड नहीं होती है, वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है एक्वेटिक के लिए, ठीक है, बिकॉज एक्वेटिक में इतनी एक्वेटिक लाइफ हमने अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं की है, ठीक है। बात करते हैं टेरेस्ट्रियल के बारे में, टेरेस्ट्रियल में हम कहेंगे कि यार इसमें सबसे पहले कौन आएंगे आपके पास, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, फिर आएगा आपके पास प्राइमरी हर्बीवोरस या फिर आप कह सकते हो प्राइमरी कंज्यूमर्स, फिर आएंगे आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर आएंगे आपके टर्शियरी कंज्यूमर्स, और ऐसे ही फूड साइकिल जो है ये फूड चेन खत्म हो जाएगी। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में कौन आने वाले हैं, यहाँ पे आपके आ जाएंगे ग्रासेस, इन्हें खाने वाला कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर, जिसे आप हर्बीवोरस भी कहते हो। आई एम राइटिंग दिस थिंग अगेन एंड ओवर अगेन ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर हर्बीवोरस, सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर प्राइमरी कार्निवोरस, और टर्शियरी कंज्यूमर्स आर सेकेंडरी कार्निवोरस, और फिर टॉप कंज्यूमर्स कौन होंगे, टॉप कंज्यूमर्स आर गोइंग टू बी टर्शियरी कार्निवोरस, ठीक है। बात करते हैं इसकी, ग्रासेस आएगा सबसे पहले, ग्रासेस के बाद कौन आएगा, ग्रासेस आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, उन्हें खाने वाला कौन है आपका, ग्रास ऑपर, उन्हें खाने वाला कौन है, ग्रास ऑपर, मैंने शायद पहले डबल पी नहीं लगाया, ठीक है, ग्रास ऑपर, ठीक है। और प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर्स में कौन आएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका फ्रॉग, इसे खाने वाला, फिर फ्रॉग को खाने वाला कौन होगा आपका, स्नेक, और स्नेक को खाने वाला कौन होगा, ईगल, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है आपके पास ग्रेजिंग फूड चेन बन जाती है, जो कि टेरेस्ट्रियल का एग्जाम्पल है, जो कि टेरेस्ट्रियल का एग्जाम्पल यहाँ पे होता है, ठीक है। अब ध्यान रखना कि इसमें हर एक, जैसे जैसे
कोई एक ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं ना, तो इन दैट केस सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर्ड. पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी, और ऐसा भी नहीं कि पूरी की पूरी एनर्जी किसी एक ऑर्गेनिज्म में ही रह जाएगी, ऐसा नहीं है. सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज बीइंग ट्रांसफर, और बाकी बची हुई एनर्जी जो है वो एज अ एनर्जी लॉस निकल जाता है. आप कहते हैं कि यार 90% इसके पास, मान लो 100% इसने अपनी एनर्जी बनाई, उसका 99% जो है वो तो चला गया, ठीक है, एज अ एनर्जी लॉस, और बाकी बचा हुआ 10% जो है वो हो गया इसके पास ट्रांसफर. अब ये जो 10% है, इस 10% का भी 90% तो चले जाएगा एज अ एनर्जी लॉस, एज अ एनर्जी लॉस बचा हुआ. इस 10% का 90% चला गया, और इस 10% का जो 10% बचा हुआ था वो चला गया नेक्स्ट वाले एनर्जी ट्रॉपिक लेवल पे. अब ये जो बचा हुआ 10% है, मतलब इसके 10% का 10% का 90% जाएगा एनर्जी लॉस में, एनर्जी लॉस में, और इसका 10% जाएगा आगे नेक्स्ट वाले ट्रॉपिक लेवल पे. सेम कहानी इसके साथ, इसका 10% आगे जाएगा और बाकी 90% लॉस हो जाएगा वापस से, बाकी 10% 90% लॉस हो जाएगा. तो देख पा रहे हैं जैसे जैसे हम नए नए ट्रॉपिक लेवल पे आते जा रहे हैं, कितनी ज्यादा मात्रा में एनर्जी लॉस हो जा रही है, और सिर्फ 10-10% जो है आगे पहुंच पा रहे हैं. तो अज्यूम करो कि 100% था, 100% का सिर्फ 10% इसके पास गया, मतलब 100 में से 90 गया, 100 में से 10 इसके पास गया. अब उस 10 का भी 10%, मतलब कि 1 इसके पास गया, उस 1 का भी 10% इसके पास गया, मतलब 0.1 इसके पास गया, और 0.1 का भी 1% 10% इस पे गया है, मतलब 0.001% इसके पास गया. इतनी कम एनर्जी जो है वो आगे ट्रांसफर हो रही है. इसीलिए ज्यादातर जो इकोसिस्टम्स होते हैं उसमें प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स पे ही कहानी खत्म हो जाती है, क्योंकि इतनी कम एनर्जी बचे तो ये सर्वाइव ही नहीं कर पाते, ठीक है, इस वजह से. तो दिस इज व्हाट वी हैव द ग्रेजिंग फूड चेन, और पहली टाइप की फूड चेन. इसके अलावा हमें बात करनी है दूसरी फूड चेन के बारे में, जो कौन सी है, जो कि है डेट्राइटस फूड चेन. एंड दिस इज, बिलीव मी, है ना, यू वॉन्ट बिलीव मी, ये एक ऐसी फूड चेन है जिसके पास मैक्सिमम एनर्जी होगी. क्यों? ये आपको पता है कि यार इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ पोर्शन ऑफ एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल. थोड़ी थोड़ी एनर्जी जो है आगे ट्रांसफर हो रही है, मगर अल्टीमेटली अगर आप सोचोगे, किंतु पंतु बरन परंतु अगर आप सोचेंगे तो यार ये सारी की सारी एनर्जी, जिन जिन के पास जो जो एनर्जी गई है वो सारी एनर्जी मरेंगे तो कहाँ जाएंगे? अल्टीमेटली डेट्राइटस के पास जाएंगे, अल्टीमेटली सॉइल में मिल जाएंगे. तो सॉइल एक ऐसा फूड चेन है जिसमें सारी की सारी एनर्जी अल्टीमेटली आके मिक्स हो जाती है. तो मैम ने एक लाइन लिखी भी है, कहेंगे आप, एंड इन एन इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये जो है ना आपके पास ग्रेजिंग फूड चेन इज द मेजर सोर्स कंडक्ट फॉर द एनर्जी फ्लो. ठीक है भाई, एक्वेटिक में क्या, एक्वेटिक में आपको बताया कि कोई ऐसे डेट्राइटस फूड चेन चल नहीं रही है, ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें मेजर सोर्स जो एनर्जी का सर्कुलेशन का है वो कौन है, वो है ग्रेजिंग फूड चेन. लेकिन अगर आप बात करो टेरेस्ट्रियल के अंदर, तो इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अ मच अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू द डेट्राइटस फूड चेन देन थ्रू द ग्रेजिंग फूड चेन. तो इसमें मैक्सिमम एनर्जी का फ्लो किसकी वजह से होता है, इसकी वजह से होता है टेरेस्ट्रियल केस में. तो मैक्सिमम एनर्जी फ्लो इन द केस ऑफ टेरेस्ट्रियल फूड चेन, इन द केस ऑफ टेरेस्ट्रियल फूड, बात क्लियर है? तो ये होगी आपकी डेट्राइटस फूड चेन, है ना. इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले आएंगे आपके, कहानी शुरुआत कहां से होगी, कहानी शुरुआत होगी जैसे यहाँ पे प्रोड्यूसर्स थे, तो यहाँ पे सबसे पहले कहानी शुरू होगी उस डेट्राइटस से जो कि रॉ मटेरियल है फॉर डिकम्पोजिशन. तो वी हैव सम डेट्राइटस, जैसे कोई एक ऑर्गेनिज्म हो गया, ये एक ऑर्गेनिज्म है ना, इट इज द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन. रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन, ठीक है, रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन. तो डेट्राइटस से खाने शुरू हुई है, डेट्राइटस से वो खाना कहाँ जाएगा या उसे कौन डाइजेस्ट करने वाले हैं, यहां पे काम करने वाले हैं आपके कुछ डेट्रिवोरस, डेट्रिवोरस जो होंगे, इन डेट्रेवरस को खाने वाला कौन होंगे आपके, स्मॉल बर्ड्स आ जाएंगे खाने के लिए इनको,
ना, इन्हें खाने के लिए कौन आएंगी? स्मॉल बर्ड्स आ जाएंगी, और फिर स्मॉल बर्ड्स को खाने के लिए कौन आएगा? लार्जर बर्ड्स आ जाएंगी, और फाइनली वो लार्जर बर्ड्स भी क्या होंगी, वो पार्ट है आपकी इस वाली का जो ईगल हो जाएंगी, और फिर ये वापस से कहाँ चले जाएंगी? ये वापस से लौट जाएंगी इसी वाले इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है? ये जो ईगल्स हैं या फिर लार्जर बर्ड है, ये वापस से लौट जाएंगी इसी वाली डेट्राइटस के अंदर। अब देखो ना, सारी की सारी एनर्जी जो है वो अल्टीमेटली कहाँ मिल रही है? आपकी सॉइल में। दिस इज द लार्जेस्ट, और वी कैन से मैक्सिमम एनर्जी फ्लो जो होता है वो किसमें होता है? डेट्राइटस फूड चेन में होता है, इन द केस ऑफ टेरेस्ट्रियल सिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है? तो वी आर डन विद दिस फूड चेन ऑल्सो। अब बात करते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। इन्हीं फूड चेन के बेसिस पर हमने कुछ पिरामिड्स ड्रॉ किए हैं कि यार किस तरीके से हम एक अपराइट पिरामिड है, या फिर इन्वर्टेड पिरामिड है, या फिर स्पिंडल शेप का पिरामिड है, ऐसे हमने पिरामिड्स यहाँ पर डिजाइन किए हैं, तो उसकी बात कर लेते हैं। आई थिंक मेरे पास ये पहले मैं इसके बना के भी लाया हूँ ना, आई हैव सम प्री डिज़ाइन इमेजेस ऑल्सो, मैं वो दिखाता हूँ आपको। यस सीरा, देखो तुम्हारे पास क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर हम तीन चार तरह के अलग अलग इकोलॉजिकल पिरामिड्स बनाने वाले हैं। पिरामिड्स का मतलब क्या है, मैं ऐसे ना अलग अलग बायोमास बनाएंगे, तो इस तरीके से एक ही हमारे पास स्टैक हो गया, ये दूसरा स्टैक, ये तीसरा स्टैक, तो हम देखेंगे यार कि ये ज़्यादा है, ये कम है, कम है। तो अगर ऐसा सिस्टम, ऐसी अरेंजमेंट हमें मिल रही है कि भाई सबसे बेस में सबसे ज़्यादा है, मतलब प्रोड्यूसर ज़्यादा है, फिर कंज्यूमर्स और कम है, फिर उसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर्स और भी कम है, तो इट्स अ अपराइट पिरामिड। वहीं अगर उल्टा सीन है कि प्रोड्यूसर्स जो हैं वो आपके पास आप देख पा रहे हो कि कुछ इस तरीके से हो गए हैं, प्रोड्यूसर्स बहुत ही कम है, फिर आपकी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स ज़्यादा हैं, टर्शियरी कंज्यूमर्स उससे भी ज़्यादा हैं, टॉप कार्निवोरस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं, इस तरीके से अगर सिस्टम है तो वो है आपका इन्वर्टेड पिरामिड, ठीक है? तो अरेंजमेंट देखना है बस हमें। देखो यहाँ पे सबसे पहले आएगा नंबर के बेसिस पे कि यार कितने ज़्यादा नंबर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्लांट हैं, थोड़े से प्लांट हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं, थोड़े से एनिमल्स हैं, इसकी बात करनी है, ठीक है? तो यहाँ हम बात करेंगे यार, सबसे पहले टेरेस्ट्रियल का एग्जाम्पल लेते हैं। टेरेस्ट्रियल में आप देखेंगे कि यहाँ कुछ ऐसा सा सीन चल रहा है कि सबसे नीचे हमारे पास ज़्यादा प्रोड्यूसर्स हैं, बहुत सारे ग्रासेस हैं हमारी एक फील्ड में, उस ग्रास को खाने के लिए थोड़े से कम कौन है हमारे पास? ग्रास हॉपर्स हैं। उन ग्रास हॉपर्स को खाने के लिए ग्रास हॉपर से भी कम कौन है? फ्रॉग्स हमारे पास है। उन फ्रॉग को खाने के लिए उन फ्रॉग से भी कम कौन है हमारे पास? स्नेक्स अवेलेबल है। और उन स्नेक्स को खाने के लिए उन स्नेक्स से भी कम कौन अवेलेबल है? आपके ईगल्स अवेलेबल। अब देख पा रहे, इट्स अ काइंड ऑफ अ अपराइट पिरामिड। अगर मैं कहूँ कि इसमें मैंने क्या कुछ लेबल किया है, दिस इज वॉट वी हैव द ग्रासेस, ये हमारे पास ग्रास हॉपर, इसके बाद दिस इज वॉट वी हैव फ्रॉग, देन वी हैव स्नेक, और सबसे कम है हमारे पास ईगल। तो दिस इज अ काइंड ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ अ टेरेस्ट्रियल और अपराइट पिरामिड है नंबर के बेसिस पे, ये बहुत ज्यादा है, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। बात करते हैं अगर हम इन्वर्टेड पिरामिड हमें देखने को मिलता है क्या? यस, नंबर के बेसिस पे इन्वर्टेड पिरामिड देखने को मिलता है, वो एग्जाम्पल है ट्री इकोसिस्टम का। जैसे कि अगर आप कहेंगे कि ट्री में क्या होता है, ट्री में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा हमारे पास, सबसे कम क्या होता है? एक ट्री, ठीक है? ट्री मान लो एक ही है, लेकिन उस ट्री में आपको मिलेगा बहुत सारे बर्ड्स, और हर एक बर्ड पे आपको मिल जाएगा बहुत सारे पैरासाइट, बहुत सारे पैरासाइट, और एक बर्ड पे बहुत सारे पैरासाइट हैं, तो हमारे पास मान लो 100 बर्ड्स हैं, तो हजारों पैरासाइट्स हो गए ना टोटल मिला के, तो उस एक ही ट्री पे बहुत सारे क्या होंगे? उस एक ही ट्री पे बहुत सारे पैरासाइट्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम नाम दे सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? एक ट्री है, इस ट्री में बहुत सारे क्या हैं? बर्ड्स हैं, और उन बहुत सारे बर्ड्स पे, उन बर्ड्स से भी ज़्यादा क्या है हमारे पास? पैरासाइट, जो बर्ड्स की बॉडी पे रहते हैं। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ इन्वर्टेड, है ना? शुरुआत यहीं से की हमने, लेकिन ये नंबर में कम है, ये उससे ज्यादा, ये उससे ज्यादा, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ इन्वर्टेड पिरामिड। तो एग्जाम्पल है किसका? इन्वर्टेड, नंबर के बेसिस पे इन्वर्टेड पिरामिड का एग्जाम्पल। तीसरा आएगा स्पिंडल शेप, इसमें आप देखेंगे कि हमारे पास एक ट्री है जो कम है, हॉक है जो उससे ज्यादा है, लेकिन वापस से जो हमारे पास पैरासाइट है वापस से वो कम है, क्योंकि हॉक्स पैरासाइट को खा रहे हैं, ठीक है? तो फर्स्ट वी हैव ट्री, सेकेंड वी हैव हॉक, ठीक है? और उससे कम हमारे पास क्या है? आपके पैरासाइट, ठीक है? उससे कम क्या है हमारे पास? पैरासाइट्स अवेलेबल है। या एक मिनट, ये स्प्रिंडल है ना, पैरासाइट नहीं होंगे इसमें, इसमें पैरासाइट्स विल नॉट बी अवेलेबल,
इसमें सिर्फ आपके हॉक और बर्ड्स होंगे। तो मान लो एक ट्री है, उस ट्री में बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं, तो बर्ड्स ज्यादा हैं ट्री से और वो बर्ड्स ज्यादा हैं हॉक से। हॉक्स आर द लार्जर बर्ड्स, एक बड़े से ईगल हो गया, वो खाने आ रहा है किसको, इस बर्ड को। तो ईगल की मात्रा भी कम है, ट्री की मात्रा भी कम है और बर्ड्स ज्यादा हैं, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ स्पिंडल शेप पिरामिड जो कि आपका ट्री इकोसिस्टम में देखने को मिल जाएगा। तो टेरेस्ट्रियल एग्जाम्पल है किसका, नंबर में अपराइट का, नंबर में इन्वर्टेड का एग्जाम्पल है ट्री इकोसिस्टम, और नंबर में ही स्पिंडल का एग्जाम्पल भी आपका ट्री इकोसिस्टम। ठीक है, बात करते हैं दूसरे के। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ बायोमास की बात करें, कौन कितना खाना बना पा रहा है, कौन कितना खाना बना पा रहा है, तो इसमें सेम एग्जाम्पल पहले आएगा आपका अपराइट में टेरेस्ट्रियल, जिसमें आप देखेंगे सबसे ज्यादा कौन है जो खाना बना रहे हैं, वो है ग्रासेस, दे आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और सबसे ज्यादा खाना बना के दे रहे हैं। उससे कम, जैसे इस ग्रास को किसी ग्रास ऊपर ने खाया तो खाना तो उसने भी बनाया है ना, प्रोडक्टिविटी में तो वो भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है ना ग्रास ऊपर, लेकिन वो ग्रास से कम खाना बना रहा है बिकॉज इसी को खा के वो खाना बना रहा है, तो इससे तो कम ही होगा ना। ऐसे उससे कम किसने, उससे कम किसने किया, आपके फ्रॉक्स ने, फ्रॉक से कम किसने किया, स्नेक ने, स्नेक से कम किसने किया, ईगल ने। ठीक है, स्नेक एंड देन ईगल, दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा क्या हम एक्वेटिक इन्वर्टेड पिरामिड देखने को मिलता है बायोमास के बेसिस पे, तो बायोमास के बेसिस पे हमें इन्वर्टेड पिरामिड जो है वो देखने को मिलता है इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, जहां पे आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ नंबर की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बायोमास की बात कर रहे हैं, तो ये ग्रासेस ज्यादा बायोमास बना रही है, यहाँ पे ये नंबर नहीं, यहाँ पे ये बायोमास है। ग्रास ऊपर ने कम बायोमास बनाया, उन्होंने और कम, उन्होंने और कम, उन्होंने और कम, तो इट्स अ अपराइट पिरामिड। लेकिन इन द केस ऑफ टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक क्या होता है कि हमारे पास कुछ फाइटोप्लैंकटॉन्स हैं जो खाना कम बना पा रहे हैं और उनको खाने वाले फाइटोप्लैंकटॉन ज्यादा है ना, प्रोड्यूसर्स कम है और खाने वाले ज्यादा हैं, तो ये सिस्टम कैसे चलेगा भाई, किसी रसोई में या किसी घर में मेहमान आ रहे हैं, खाना बनाने वाले कम है और मेहमान बहुत सारे आ गए, तो खाना तो कम ही पड़ेगा ना, खाना ढंग से बन नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पे ये सिस्टम जो है कैसे सर्वाइव कर रहा है, द रीजन बिहाइंड इट कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में ये जो फाइटोप्लैंकटॉन है ना, इनकी जो डिवीजन की रेट है, ये जो डिवाइड करते हैं वो बहुत जल्दी डिवाइड करते हैं, इनके जो डिवीजन रेट है वो कैसी है कि बहुत फास्ट डिवाइड करते हैं, इस वजह से ये इनफ खाना दे पाते हैं कि इनको ऊपर वाले लेवल के ऑर्गेनिजम्स को, तो वी कैन से फाइटोप्लैंकटॉन्स ये इतनी जल्दी डिवाइड करते हैं, और जितनी देर में एक जू प्लैंकटॉन एक फाइटोप्लैंकटॉन को खाएगा ना, उतनी देर में ये एक फाइटोप्लैंकटॉन पांच अपने जैसे फाइटोप्लैंकटॉन्स बना देगा। तो उसने खाया एक को, लेकिन चार और एक्स्ट्रा बन गए हैं, तो वो चार खाना बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो दैट इज हाउ इट इट फंक्शंस, इस तरीके से ये सर्वाइव कर पा रहा है, इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ इन्वर्टेड पिरामिड बायोमास के इसमें, लेकिन एक्वेटिक वाला। ठीक है, एक्वेटिक का एग्जाम्पल है। ठीक है, तीसरा आता है एनर्जी का, तो बायोमास यहाँ पे एनर्जी कर लो। अगर हम बात करें आपसे एनर्जी के बारे में, तो एनर्जी में क्या हमें इन्वर्टेड पिरामिड देखने को मिलता है, नहीं मिलता। स्पिंडल देखने को मिलता है, स्पिंडल भी नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ आपका अपराइट मिलेगा, फिर आप चाहे बात करो टेरेस्ट्रियल की या फिर एक्वेटिक की, बिकॉज आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो उन सभी में आप देखोगे यार एनर्जी हमेशा ट्रॉपिक फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में ही ट्रेवल करती है। ठीक है, 10% रूल जो आपने पढ़ा है, ठीक है, इस तरीके से, तो 10% एनर्जी ही है जो आगे ट्रेवल करेगी, कभी भी उल्टा नहीं होता। ठीक है, कि हायर से लोअर में एनर्जी आ रही है, ऐसा कभी नहीं होता, हमेशा लोअर से हायर में ही एनर्जी ट्रांसफर होती रहती है। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ थर्ड वन। तो सारे एग्जाम्पल्स हमेशा एनर्जी के बेसिस पे अपराइट ही होने वाले हैं, कोई भी इन्वर्टेड या स्पिंडल नहीं होगा। ठीक है, दिस इज वॉट वी कंप्लीट हियर अबाउट द इकोलॉजिकल पिरामिड्स ऑल्सो, एंड देन वी आर हैविंग कुछ लिमिटेशंस होती हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। जैसे पहली लिमिटेशन, आपने जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स पढ़े हैं, क्या इसमें कहीं पे भी आपने डेट्रिवोरस का जिक्र सुना, क्या कहीं पे भी मैंने नाम लिया डेट्रिवोरस के बारे में कि देखो ये अर्थ वॉर्म ऐसा यहाँ पे आएगा, या फिर हमने नाम नहीं लिया, तो क्या ये डेट्रिवोरस इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉस, यही है जो सारे एनर्जी फ्लो को कंट्रोल करते हैं, तो ये तो हमने इसमें इंक्लूड किया ही नहीं, ये तो मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ जो बुकों में लिखा हुआ है, तो बुकों में ही गलती है ना, इट्स अ ड्रॉबैक कि भाई उन्होंने इंक्लूड ही नहीं किया डेट्रिवोरस को, दिस इज द वन ड्रॉबैक कि उन्होंने डेट्राइटस को इंक्लूड नहीं किया, सेप्रोट्रॉप्स को इंक्लूड नहीं किया, इट इज द वन ड्रॉबैक। सेकेंड ड्रॉबैक कि यार जो सिंपल फूड चेन की हम बात कर रहे हैं कि यार ऐसे ऐसे फूड चेन चल रही होगी, डेट्राइटस ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्राइटस फूड चेन, तो यार बॉस मैं आपको बता दूं कि नेचर में फूड चेन तो अवेलेबल होती ही नहीं है, नेचर में पाई जाती है फूड वेब, नेचर में पाई जाती है फूड वेब, तो ये भी एक गलती है।
आप कहां फूड चेन की बात कर रहे हो, इतना सिंपल नहीं है नेचर, नेचर इज वेरी कॉम्प्लेक्स। तो नेचर में तो फूड वेब पाई जाएगी, बहुत सारी फूड चेन मिलकर फूड वेब बनाएंगी, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो क्यों पढ़ा रहे हो इसको? पढ़ा रहे हैं, बोल लिखा हुआ है तो पढ़ा रहे हैं आपको, एग्जाम सवाल तो इसी से आना है। तीसरा, इट डज नॉट इंक्लूड द सेम स्पीशीज बिलोंगिंग टू टू और मोर ट्रॉपिक लेवल। हमने एक ही स्पीशीज को एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल में रखा हुआ है, जैसे ह्यूमंस, ह्यूमंस जो है वो हर्बीवोरस भी हैं जो प्लांट्स खाते हैं, कुछ ह्यूमंस है जो यू नो मीट भी खाते हैं, मतलब फ्लैश भी खाते हैं, तो सॉरी यू कैन से कुछ चिकन भी खाते हैं, ठीक है। तो अब आप ह्यूमंस को कहाँ रखोगे, इन द हर्बीवोरस कंडीशन, मतलब प्राइमरी ऑर्डर पर रखोगे या सेकेंडरी ऑर्डर पर, कार्निवोरस में रखोगे, कहाँ रखोगे? दोनों में रखना पड़ेगा, बिकॉज हम दोनों ही हैं। तो एक ही ऑर्गेनिज्म दो अलग अलग ट्रॉपिक लेवल पे कैसे हो सकता है, ये भी एक सवाल है, ठीक है। तो दीज आर द थ्री ड्रॉबैक्स फॉर इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ठीक है। आते हैं कुछ सवालों पे। तो हमने ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया है हमारे इस चैप्टर का, दो पार्ट थे, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है हमारा, जहां हमने बात कर लिया किसके बारे में, वी हैव टॉक अबाउट प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, लास्ट बचता है न्यूट्रिएंट साइकिल, वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वाले पार्ट में, आज ही करेंगे, ठीक है, इसी लेक्चर में। तो नेक्स्ट वाला पार्ट होगा आपके न्यूट्रिएंट साइकिलिंग का, जहां पे हम न्यूट्रिएंट साइकिलिंग पढ़ेंगे, फॉस्फोरस साइकिल, कार्बन साइकिल, और हमें बात करनी है सक्सेशन के बारे में। ये दो टॉपिक्स बचे हैं, इन्हें कंप्लीट करने के बाद वी विल एंड दिस चैप्टर। तो आइए फर्स्ट फेज के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। सवाल नंबर एक आपके सामने वो कह रहा है, सवाल नंबर एक आपसे कह रहा है कि डेट्रिवोरस ब्रेक डाउन डेट्राइटस इंटू सिंपलर पार्टिकल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डेट्रिवोरस जो होते हैं, जब वो अपने डेट्राइटस को सिंपल पार्ट्स में तोड़ देते हैं, व्हाट डू वी कॉल दिस प्रोसेस? तो डेट्राइटस कौन होता है? रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन। तो कोई मान लो एक इंसेक्ट जो मर गया है, अब उसको सिंपल पार्ट्स में तोड़ना है, सिंपली कॉल्ड एज अ फ्रेगमेंटेशन, इस कॉल्ड एज अ फ्रेगमेंटेशन। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज नॉन एस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज नॉन एस, अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया, एक एरिया पे जितना बायोमास बनाया गया है, अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस, व्हाट डू वी कॉल दिस? इज दिस नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, व्हाट डू वी कॉल दिस? देखिए आंसर, तो आंसर आपका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, यहां पे बात हो रही है फोटोसिंथेसिस के बारे में। आपको अगर याद हो तो हमने देखा था कि यार एक पर्टिकुलर एरिया में, पर यूनिट एरिया में कितना बायोमास बन रहा है ना, एंड दैट इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यहाँ पे एक डेटा आपको ध्यान रखना, वो डेटा क्या है, एक डेटा कहा गया है कि यार हमारे पास 170 बिलियन टन बायोमास जो है वो बनाया जाता है हर साल पर ईयर, ठीक है, जिसमें से 55 बिलियन टन जो है ना वो कौन बनाता है, वो बनाते हैं आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है वो इतना बायोमास बनाता है, और बचा हुआ 115, ये बचा ना 60, हाँ, तो बचा हुआ 115 बिलियन टन जो है ना उसे बनाने वाला कौन है आपका? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बाकी बचा हुआ बायोमास बनाता है। इसका कारण क्या है कि यार टेरेस्ट्रियल इतना ज्यादा और एक्वेटिक इतना कम, तो कारण सेम है कि यार आप जानते हैं टेरेस्ट्रियल में है उसमें ऑप्टिमम कंडीशंस अवेलेबल हैं, टेम्परेचर अवेलेबल है, लाइट अवेलेबल है, वाटर अवेलेबल है, सारी ऑप्टिमम कंडीशंस दी जा रही है उन प्लांट्स को, तो टेरेस्ट्रियल में इसी वजह से टेरेस्ट्रियल का बायोमास ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्वेटिक, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब हम देख चुके हैं जो कि है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसे आप GPP के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है द ऑर्गेनिक सब्सटेंस व्हिच डिकम्पोज स्लोली, जो आराम आराम से डिकम्पोज होगा है ना, वो क्या है? इज दिस काइटिन, इज दिस लेगनिन, इज दिस सेलुलोज, या फिर ऑल ऑफ दिस? तो आई थिंक सवाल देखा होगा आपने, और इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज लेगनिन। लेगनिन की बात कहो, सुब्रिन की बात कहो, ये सब क्या है? ये ऐसे सब्सटेंस है जो कि एक सेल वॉल की तरह काम करते हैं, ये सब्सटेंसेस को एंट्री नहीं होने देते, तो इनका डिकम्पोजिशन रेट भी कैसा होगा? स्लो होगा, ठीक है। अगला, द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर एमॉर्फस, आई थिंक ये दो शब्द सुनते ही आपके माइंड में जवाब आ चुका होगा। कौन है जो डार्क कलर होता है, एमॉर्फस होता है, कोलोइडल होता है, रेसिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्टिविटीज होता है, इसके अलावा रिजर्वॉयर ऑफ फूड है, और स्लाइटली एसिडिक भी होता है, तो वी कॉल दिस एज अ ह्यूमस,
द प्रोसेस इज ह्यूमिफिकेशन। ठीक है, अगला सवाल, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज क्विकर। अगर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ज्यादा है तो कब होगा, जब उस डेट्राइटस के अंदर ज्यादा नाइट्रोजन और शुगर है, फॉस्फोरस एंड शुगर है, कैल्शियम एंड शुगर है, या बोथ बीएनसी, या बोथ बीएनसी। तो सेम लाइन मैंने आपको पढ़ाई भी थी पीछे, है ना, और एनसीईआरटी की ही लाइन है, ऑप्शन नंबर ए। अगर नाइट्रोजन शुगर ज्यादा है इसका मतलब रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन को अगर लेगनिन सोब्रिन प्रेजेंट है तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कम हो जाएगा। ऑक्सीजन ज्यादा है तो इंक्रीज होगा, ऑक्सीजन कम है तो डिक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, एक अच्छा सवाल है, सोच समझ के जवाब देना, सोच समझ के जवाब देना। देखें जवाब, तो आप जानते हैं कि जीपीपी इज द टोटल अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस। ठीक है, इसमें से अगर आप रेस्पिरेटरी लॉस को हटा दें तो बचा हुआ पार्ट क्या होता है आपका, एनपीपी। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन। अब इक्वेशन अगर आपको याद है तो सवाल का जवाब निकल जाएगा, याद नहीं है तो नहीं निकल पाएगा। तो आप कहेंगे आपको जीपीपी प्लस में या जीपीपी माइनस आर जो है वो बराबर होता है एनपीपी के, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, पिरामिड्स ऑफ बायोमास इन द सी। समुद्र में अगर बायोमास के बेसिस पे आप पिरामिड बना रहे हो, बायोमास के बेसिस पे हमने बनाया था, नंबर के बेसिस पे हमने बनाया था और एनर्जी के बेसिस पे हमने बनाया था, बायोमास के बेसिस पे समुद्र के अंदर कैसा बायो पिरामिड देखने को मिलता है, इन्वर्टेड, अपराइट, स्प्रिंडल शेप, या फिर आपका इन्वर्टेड या और अपराइट। तो वी कैन से इन्वर्टेड। ठीक है, समुद्र में आप जानते हैं टेरेस्ट्रियल या पॉन्ड्स या एक्वेटिक और पॉन्ड्स की हम बात करें तो वहां में मिलते हैं फाइटोप्लैंकटॉन्स और जूप्लैंकटॉन्स। तो फाइटोप्लैंकटॉन्स बायोमास कम होता है और जूप्लैंकटॉन्स का ज्यादा है, वैसे नंबर में ज्यादा होते हैं लेकिन इनका डिवीजन रेट ज्यादा होता है फाइटोप्लैंकटॉन्स का। ठीक है, इट्स अ इन्वर्टेड पिरामिड। अगला, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, दैट इज पी ए आर। पी ए आर की परसेंटेज कितनी होती है, दैट इंडिकेट्स द सोलर रेडिएशन। तो सनलाइट से आने वाली जो रेज होती हैं वो इस प्लांट पे पड़ती हैं, जिसमें से पी ए आर कितनी सनलाइट को ये पहले अपने पास इस प्लांट के ऊपर कितनी सनलाइट पड़ती है, इट्स लेस देन 50%, इट्स लेस देन 50%। ठीक है, अगला सवाल, तो भाई सारा टॉपिक हमने किया है तो जवाब भी हमें पता है ना, अगर आपने चैप्टर को ध्यान से सुना होगा वन शॉट में, आप अभी तक टिके हुए हो तो नो डाउट कि यार ये चैप्टर आपका बिल्कुल ही अच्छे से क्लियर हो रहा है। एंड जस्ट इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट जो आपसे बस समय मांगती है ना, इट जस्ट वॉन्ट कि आप पेशेंटली बैठो, सुनो, एक पेपर लेके बैठो ताकि आपको डेटा जो है वो साथ साथ आप लिखते हुए चलो। ठीक है, अगर आप इतना कर रहे हैं तो इकोलॉजी में कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। इट्स नॉट अ कॉम्प्लेक्स थिंग, इट्स नॉट अ न्यूमेरिकल बेस्ड थिंग कि आपको सोचना पड़े, इसमें कुछ एनालिटिक्स आपको नहीं लगानी है, सिंपली आपको जो थ्योरी आपको पता है वो आपको उसका जवाब देना है। तो या तो हाँ या तो ना, अगर आता है तो हाँ करो, नहीं आता तो ना करो, कोई तुक्का या फिर कोई बीच में आपको यू नो सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इसमें कि क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हुआ मेरे से, कोई क्वेश्चन सॉल्व होने वाली बात ही नहीं है इसमें, है ना, इसमें तो हमें सिर्फ हाँ या ना है। सवाल कह रहे हैं द कॉम्पोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज अ यूनिट व्हेन यू कंसीडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट। तो इकोसिस्टम के कॉम्पोनेंट्स जो होते हैं वो फंक्शन करते हैं एक साथ, मतलब सेल्फ सस्टेनेबल इकोसिस्टम बनता है जब उसमें प्रोडक्टिविटी आती है, डिकम्पोजिशन काम करते हैं और एनर्जी फ्लो होता है, मतलब ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। जब ये सारे के सारे एक साथ काम करेंगे तो वी कैन से तब जाके एक इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेनेबल बनेगा। अगला सवाल कह रहा है इन इकोलॉजिकल पिरामिड्स विच वन इज एब्सेंट। तो पिरामिड्स में हमने किसका जिक्र नहीं किया था, नहीं किया था, तो वो थे आपके सेप्रोट्रॉप्स, है ना, पिरामिड्स में सेप्रोट्रॉप्स नहीं थे। अगला, जो कि एक उसका क्या है, जो कि उसका एक ड्रॉबैक भी है। अगला कह रहा है डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट्स विद डेड ऑर्गेनिक मैटर, डिकम्पोजर्स, ग्रासेस, या मोर देन वन। तो डेट्राइटस फूड चेन जो है वो स्टार्ट होती है किससे, डेड ऑर्गेनिक मैटर से। जैसे जो ग्रेजिंग फूड चेन है दैट स्टार्ट्स विद प्रोड्यूसर्स, ऐसी डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट्स विद डेट्राइटस। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मैटर एट अ पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड एस। अच्छा, ये दो टॉपिक्स है ना मैंने मिस कर दिए, या इसको हम आगे भी पढ़ लेंगे नेक्स्ट वाले फेज के अंदर कि स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है और आपकी स्टैंडिंग स्टेट क्या होती है, मैं आपको यहीं सिखा देता हूँ, है ना, देख लो, मैं इसको नोट्स में ही इंक्लूड कर दूंगा ताकि आपको याद भी रहे। ठीक है, पहले एक बात कर लेते हैं यहाँ पे स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में। स्टैंडिंग स्टेट और दूसरा क्या है, स्टैंडिंग क्रॉप। पहली बात, जब आपसे जिक्र किया जाए स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में तो क्रॉप का मतलब लिविंग चीजों की बात हो रही है,
और जब आपसे जिक्र किया जाए स्टेट के बारे में, इसका मतलब आपसे लैंड की बात हो रही है, नॉन लिविंग थिंग की बात हो रही है, लैंड की बात की जा रही है, स्टेट मतलब लैंड की बात की जा रही है, ठीक है। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस इन द क्रॉप, वो क्रॉप, वो प्लांट, वो एनिमल, उनमें कितना बायोमास अवेलेबल है, उनमें कितने न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, वी कॉल दिस इज अ स्टैंडिंग क्रॉप एट अ पर्टिकुलर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। और स्टैंडिंग स्टेट क्या होती है कि उस पर्टिकुलर सॉइल के अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, वी कैन से अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल इन द सॉइल, अमाउंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल इन सॉइल पर यूनिट एरिया इन अ टाइम पीरियड, इन अ टाइम पीरियड, ठीक है। इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं स्टैंडिंग स्टेट। क्रॉप की बात करूं तो इट इज द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस और प्रेजेंट इन इन ग्रुप इन एन इंडिविजुअल इन एन इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया इन अ टाइम, ठीक है। तो अगर डायग्रामेटिकली शो किया जाए तो ये एक मान लो लैंड है, इस लैंड के अंदर यहां पे लगी हुई थी कुछ आपकी क्या ग्रासेस, और नीचे क्या था, ये पूरा सॉइल वाला पार्ट है, दिस इज सॉइल। तो इस सॉइल के अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, दिस इज स्टैंडिंग स्टेट। और इस क्रॉप के अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है। तो आई थिंक कोई सवाल नहीं होगा इसमें। आइए सवाल देखते हैं, कैसा सवाल इससे पूछा गया इस टॉपिक से। तो आप कहेंगे ये सवाल है, अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मैटर, लिविंग की बात हो रही है, एट अ पर्टिकुलर टाइम इज व्हाट डू वी कॉल्ड। तो अगर लिविंग की बात हो रही है तो स्टैंडिंग क्रॉप्स की बात हो रही होगी, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है प्रोडक्टिविटी इज एक्सप्रेस्ड एट, तो मैंने आपसे कहा था ना इसमें पी वाई क्यू आ चुका है, तो ये नीट का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि क्या यूनिट होती है प्रोडक्टिविटी की। तो अगर कोई बायोमास की यूनिट आपसे पूछ सकता है या फिर वो प्रोडक्टिविटी की यूनिट पूछ सकता है। तो हमने देखा था किलो कैलोरीज मीटर स्क्वायर पर ईयर या फिर ग्राम मीटर स्क्वायर पर ईयर, तो जो भी आंसर मैच करता है आप लगा सकते हैं, ठीक है। जो आंसर मैच करता है वो आप लगा सकते हैं, यहाँ पे मीटर स्क्वायर भी लगा दो, है ना। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखो, कह रहा है स्टेटमेंट वन इज सेइंग यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी अकर फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर्स एंड देन टू द कंज्यूमर्स। तो सही बात है ना, सन से आपकी एनर्जी ट्रांसफर होगी प्लांट्स में, प्लांट प्रोड्यूसर्स में, प्रोड्यूसर से हो जाएगी कंज्यूमर्स में, ठीक है। दूसरा कह रहा है नो एनर्जी दैट इज ट्रैप इन टू एन ऑर्गेनिज्म रिमेन्स इट फॉर एवर, कोई भी एनर्जी किसी ऑर्गेनिज्म में सदा बाहर के लिए हमेशा के लिए नहीं रहती, ये बात भी सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना, वन एंड टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल नेचर्स क्लीनर, कौन है जो हमारी इस अर्थ के ऊपर जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसे क्लियर करते हैं, उसे साफ करते हैं, तो वो है आपके डिकम्पोजर्स एंड स्कैवेंजर्स, ठीक है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, इनमें से कौन सा इकोसिस्टम का फंक्शन नहीं है, तो स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, बाकी सारे क्या है, फंक्शंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है कि इसका क्या सीक्वेंस रहा होगा, तो आप कहेंगे इसका सीक्वेंस क्या है आपका, इसका सीक्वेंस क्या है आपका, देखो वैसे तो ये सारे प्रोसेस जो है साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं, मतलब एक साथ चल रहे हैं, नोबडी सेइंग यू कि बताओ पहले ये आएगा फिर दूसरे नंबर पे ये हो रहा है तीसरे नंबर पे ये हो रहा है, ऐसा नहीं है। अर्थ में सारे के सारे जो फंक्शंस हैं वो एक साथ चल रहे हैं, मतलब ये भी साथ है तो पैरेलली ये भी चल रहा होगा, साथ में ये भी चल रहा होगा, ये सब एक साथ हो रहे हैं, ठीक है। मगर स्टिल आपसे कहा जाए कि भाई एक ही बताओ, ऑप्शन एक ही है ना, तो वही वाला सीन है ना, वही वाला सीन है कि मरता क्या ना करता, तो उसे कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द मोस्ट प्रेफर्ड आंसर, ठीक है। फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। तो आप जानते हैं कि पहले होगा आपके पास फ्रेगमेंटेशन, बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाएगा, उसके बाद क्या होगा ह्यूमिफिकेशन, मतलब कि सिंपली उसमें से ह्यूमस की फॉर्मेशन की जाएगी, फिर आएगा कैटाबॉलिज्म, उसके बाद लीचिंग, मतलब कि वो जो पार्टिकल्स है वो पानी के थ्रू नीचे जाएंगे, और मिनरलाइजेशन, उसमें से मिनरल्स को एब्सॉर्ब कर लेंगे, ठीक है।
अगला सवाल आपसे कह रहा है इन इंटरमीडिएट कम्युनिटी बिटवीन पायोनियर एंड क्लाइमेक्स, ये हमने अभी पढ़ा नहीं है, इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसको अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, इसको हमने नहीं पढ़ा है। अगला सवाल कह रहा है प्राइमरी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी होती है, तो मैं आपको बता चुका हूँ 170 बिलियन टन्स है ना। इसके अलावा इन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर, नंबर की बात कर रहा है और इन्वर्टेड की बात कर रहा है, तो कौन सा डायग्राम आपके मन में आया है, सोचो। ट्री इकोसिस्टम का, जहां पे आपके पास क्या थी, एक ट्री था, उस पर बहुत सारी बर्ड्स हैं और उस पर बहुत सारी क्या है, पैरासाइट्स हैं, तो एग्जाम्पल आप लगाई चुके हैं ट्री, तो इसका तो हो गया ट्री। और दूसरा कह रहा है इन्वर्टेड पिरामिड्स ऑफ बायोमास, तो बायोमास में इन्वर्टेड कहाँ होता है, समुद्र के अंदर, जहाँ फाइटोप्लैंक्टन्स और जूप्लैंक्टन्स, तो दूसरा है सी, पहला ट्री दूसरा सी। ये है आपका अगला सवाल, कह रहा है विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल टू द हर्बीवोरस, हर्बीवोरस लेवल पे कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल, तो हर्बीवोर्स जो होते हैं वो उनको प्लांट से एनर्जी मिल रही है, और प्लांट से एनर्जी मिलने वाली एनर्जी कौन सी होती है, एनपीपी होती है, ठीक है। नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम, तो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल, तो सॉइल की बात हो रही है मतलब कि स्टैंडिंग स्टेट की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, तो वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द फर्स्ट पार्ट, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे जो कि है सक्सेशन, तो हमें स्टार्ट करना है सक्सेशन के बारे में, हमें बात करनी है आपके न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में, दिस इज हाउ वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। आई थिंक हार्डली 10-15 मिनट और लगेंगे एंड वी विल जस्ट रैप अप दिस चैप्टर, और कुछ सवाल हमें इसके बाद और भी करने हैं, ठीक है। तो गेट रेडी फॉर दिस पार्ट विच इज सक्सेशन, और स्टार्ट करते हैं इसको। तो भाई अब हम आ चुके हैं आपके आखिरी पड़ाव पे इस चैप्टर के जो कि है सक्सेशन, इसमें हम बात करेंगे सक्सेशन क्या होता है। इट्स लाइक यू नो वेरी सिमिलर टू इवोल्यूशन, जैसे ह्यूमंस या लिविंग थिंग्स में क्या होता है, इवोल्यूशन होता है कि ग्रेजुअल प्रोसेस है, कुछ कुछ चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस की वजह से नई नई अडेप्टेशन आती जा रही है ना। सेम होता है लैंड के साथ, अगर हम एक बिल्कुल लैंड की बात करें ना, एक खाली हमारे पास जमीन है, बंजर जमीन जिसे कहते हैं, तो वहां से शुरुआत होकर अल्टीमेटली आप देखोगे कुछ टाइम बाद वहां पे एक जंगल बन जाता है, कुछ टाइम का मतलब है काफी सालों बाद क्या होता है, जंगल बन जाता है हजारों सालों बाद, ठीक है। तो यहां से वहां तक का जो सफर था, ये जो जर्नी थी, वो कैसे तय किया इस पर्टिकुलर लैंड पीस ने, इसके बारे में, इसी जो प्रोसेस है, ये जो चेंजेस है, ये जो ग्रेजुअल चेंजेस हो रहे हैं, इसी को आप नाम देते हो क्या, सक्सेशन। तो आई थिंक सक्सेशन का फील थोड़ा सा आप समझ चुके हैं क्या होता है सक्सेशन, देखते हैं क्या होता है। इट्स अ ग्रेजुअल स्लो प्रिडिक्टेबल चेंज, प्रिडिक्टेबल क्यों, कि हमें पता है कि यार एक लैंड में आज कुछ नहीं है, आज से मैं पूछूं लास्ट वाली स्टेज में आज से हजार साल बाद यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे पेड़ आ जाएगा, फॉरेस्ट आ जाएंगे, अनटिल और अनलेस कि हम वहां पे जाके अपना घर ना बना दें। इसके अलावा अगर ये चीजें हम साइड रख दें है ना, हम ह्यूमंस की ग्रीड को, अपनी चाहत को, अपने अपने लालच को अगर हम साइड रख दें, तो हमारे लालच के बिना उस पर्टिकुलर लैंड पे कौन उगने वाला है, प्लांट्स उगने वाले हैं, फॉरेस्ट बनने वाला है, एनिमल्स आने वाले हैं, यही तो होगा ना। तो इट्स प्रेडिक्टेबल, इट्स प्रेडिक्टेबल कि यार आज से हजार साल बाद यहाँ पे क्या होगा, वहां पे लैंड फॉरेस्ट आ जाएगा, दिस इज द अल्टीमेट गोल। तो अल्टीमेट गोल क्या है, अल्टीमेट गोल है कि वहां पे फॉरेस्ट बन के तैयार हो जाएगा, इट्स प्रेडिक्टेबल, ये ग्रेजुअल होगा, धीरे धीरे होगा, ऐसे नहीं कि बस आज रात को पेड़ उगाया और कल देखा तो वहां पे फॉरेस्ट बन चुका है, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। और इट्स अ स्लो प्रोसेस, मतलब काफी साल लग जाते हैं, जस्ट लाइक एवोल्यूशन, ठीक है। चेंजेस इन द स्पीशीज कॉम्पोजिशन ऑफ एन एरिया लीडिंग टू द क्लाइमेक्स कम्युनिटी, क्लाइमेक्स मतलब लास्ट की कम्युनिटी कौन सी आने वाली है, वो होगी आपकी फॉरेस्ट, ठीक है, वो होगी आपकी फॉरेस्ट। इसके अलावा द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में जो भी चेंजेस हो रहे हैं है ना, सक्सेसिव चेंजेस जो हो रहे हैं, वी कॉल दिस एज अ सिरी, सिरी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखना, मैं आपको पढ़ाऊंगा जीरोफिटिक कंडीशन और आपकी हाइड्राज कंडीशन। तो हाइड्रोसिरी और जीरोसिरी, ये दो कंडीशन हम पढ़ने वाले हैं। इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज आर टर्म्ड सेवरल स्टेजेस कॉल्ड एज अ सीरियल कम्युनिटीज, ठीक है। तो क्या इसका मतलब क्या है, एक लैंड का पीस था, इस लैंड के पीस में शुरुआत हुई सिर्फ कुछ रॉक्स से, ये कुछ रॉक्स हैं हमारे पास, और रॉक से वो ट्रेवल करता 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 क्या हुआ, लास्ट में यहाँ पे बन गया आपका एक जंगल, ये बन गया आपका फॉरेस्ट। तो इसके बीच के जो चेंजेस रहे होंगे ना, उन बीच के चेंजेस को आप कहते हो क्या, कौन सी कंडीशन, इसे आप कहते हो सीरियल कंडीशन, ठीक है, इसे आप कहते हो सीरियल कंडीशन या स्टेजेस या कम्युनिटी, ठीक है। स्टार्टिंग की जो है इसे आप कहते हो पायोनियर स्टेज, पायोनियर स्टेज जो कि स्टार्टिंग वाली स्टेज है, जहां पे आपको शुरुआत करनी है, ठीक है। तो ध्यान रखना, शुरुआत हमेशा मुश्किल होती है, सफर चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन जो मंजिल होती है वो शानदार होती है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे हो रहा है कि स्टार्टिंग बहुत मुश्किल है, सफर
चुनौतियों से भरा पड़ा है, लेकिन अंत में जाके आप देखोगे फॉरेस्ट बिल्कुल ही शानदार होगा। तो इट इज कॉल्ड एज अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो बस अपने को काम करते जाना है, फल अपने आप जरूर मिलेगा। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव द सीरियल चेंजेस। पहला चेंज क्या है आपके पास, पहले आएगी पाइनियर स्टेज। कहीं पे भी आप पानी की बात करोगे तो स्टार्टिंग में ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही समुद्र बन गया। समुद्र में बनने से पहले एक जगह पर सिर्फ पानी 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 रहा होगा। पानी के बाद क्या होगा, वहाँ पे छोटे छोटे प्लांट्स आना स्टार्ट हुए होंगे। प्लांट्स के आने के बाद क्या होगा, मिट्टी आई होगी वहाँ पे, मतलब मिट्टी मिक्स हुई होगी। उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे आपके फाइटोप्लैंकटॉन्स या फिर कोई फिशेज आना स्टार्ट हुई होंगी। तो ऐसे ग्रेजुअल चेंजेस हुए होंगे। तो स्टार्टिंग कौन सी स्टेज, स्टार्टिंग की स्टेज क्या होती है, पायोनियर स्टेज। सफरिंग की स्टेज कौन सी होती है, उसे आप कहते हो सीरियल स्टेज। और लास्ट क्लाइमेक्स जो बनता है उसे आप कहते हो क्लाइमेक्स स्टेज। ठीक है, तो तीन चीजें हैं और इसी तीन चीजों के बेसिस पे हमने बनाए हैं आपके दो तरह के सक्सेशन। एक होता है प्राइमरी सक्सेशन, एक होता है आपका सेकेंडरी सक्सेशन। इसको समझाने से पहले मैं आपको समझा देता हूं आपकी दो तरह की कंडीशंस। एक होता है आपका जिराज और एक होता है आपका हाइड्राज। ठीक है, एक है आपकी हाइड्राज सक्सेशन और एक होता है जिराज सक्सेशन। हाइड्राज में क्या होगा, मतलब पानी की बात हो रही है, वाटर की बात हो रही है, अंत में क्या बनने वाला है आप जानते हैं, फॉरेस्ट बनने वाला है। तो अगर पानी से शुरुआत होकर क्लाइमेक्स स्टेज जो कि फॉरेस्ट है वो कैसे बनेगा, तो उसके बीच में ये फेजेस आते हैं। सबसे पहला आप देखोगे पानी वाला फेज है, इस पर्टिकुलर फेज को आप कहते हो क्या, वी कॉल दिस वाटर, या सिर्फ वाटर अवेलेबल है। सेकंड वाले फेज में आप देखोगे कुछ आपके पास क्या आएंगे, फाइटोप्लैंकटॉन्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। या देख पा रहे हैं कुछ आपके पास प्लांट्स आ गए, या एक मिनट या ये नंबरिंग गलत है इसको हटा दो। यहाँ पे देखो, तो आप देखोगे इसमें बात क्या हुआ, पहले पानी पानी था, इसके बाद कुछ फाइटोप्लैंकटॉन्स आना स्टार्ट हो गए, फाइटोप्लैंकटॉन्स। और ये जो फाइटोप्लैंकटॉन्स है ये कैसे हैं, ये फ्री फ्लोटिंग है, सॉरी सबमर्ज्ड है। ठीक है, कैसे हैं ये सबमर्ज्ड है, मतलब पानी के अंदर डूबे हुए हैं कुछ ऐसे, ये वाले आपके हो गए फाइटोप्लैंकटॉन्स। इसमें केस में क्या हुआ, कुछ ऐसे प्लांट जो फ्लोट करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो वी कैन से सबमर्ज बट फ्री फ्लोटिंग। कुछ फ्री फ्लोटिंग भी है, फ्री फ्लोटिंग फाइटोप्लैंकटॉन्स, फाइटोप्लैंकटॉन्स। ये हो गई तीसरी स्टेज। चौथी स्टेज में क्या होगा, यहां पे आप देखेंगे फाइटोप्लैंकटॉन्स, यहां पे आप देखेंगे उसके बाद क्या होगा, यहां पे प्लांट्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो वी कॉल दिस कंडीशन एज अ, वी कॉल दिस एज अ रीड स्वैम्प स्टेज। इसके बाद आती है आपकी नेक्स्ट स्टेज जो कि होती है मार्शी मेडो, मार्शी मेडो स्टेज। और लास्ट में आती है क्लाइमेक्स स्टेज जो कि है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट विच इज नथिंग बट क्लाइमेक्स स्टेज, क्लाइमेक्स स्टेज। और जो स्टार्टिंग वाली वाटर की स्टेज थी वो कौन सी स्टेज थी, ये थी पायोनियर स्टेज, ये थी पायोनियर स्टेज। अच्छा, ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है, रेडिश श्वैम्प और मार्शी मेलो। रेडिश श्वैम्प में आप देखोगे कि यार पानी ज्यादा है, सॉइल कम है, यहाँ पे वाटर इज मोर, बस पानी से कहानी शुरू हुई थी ना स्टार्टिंग में, तो पानी अभी यहाँ पे ज्यादा होगा। वी हैव मोर ऑफ वाटर बट लेस ऑफ सॉइल। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो आएगी उसमें सॉइल ज्यादा हो चुकी है और पानी बस खत्म होने वाला है। यहाँ पे आप कहोगे मार्शी मेडो स्टेज, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे कि पानी इज लेस बट सॉइल इज मोर। ठीक है, ये हो गया आपके पास हाइड्राज कंडीशन। तो यू कैन से इट टेक्स प्लेस इन अ वेटर एरिया जहां पे सिर्फ पानी पानी था, प्रोग्रेसिवली फ्रॉम हाइड्रेटिक टू मेसिक कंडीशन। तो इस तरीके से कंडीशन चेंज होके ये सारे नाम और सारे डायग्राम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया हाइड्राज कंडीशन। इसके अलावा होती है आपके पास एक कौन सी, जिराज कंडीशन, जहां पे क्या था आपके पास एक बैरन पीस ऑफ लैंड था जहां पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आपके पास रेत या फिर रॉक्स प्रेजेंट थे। तो इट्स अ पायोनियर स्टेज, पायोनियर स्टेज थी आपकी ये वाली, पायोनियर स्पीशीज ग्रो करी है ना। इन रॉक्स को खाने के लिए कौन आ गया आपके, लाइकन्स आ गए। लाइकन्स ने क्या कर दी, वेदरिंग कर दी है ना, रॉक्स को तोड़ दिया, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, ब्रेकिंग ऑफ रॉक, इसे कहते हो आप वेदरिंग। ठीक है, और रॉक्स के टूटने से क्या हुआ, आपकी सॉइल बनी है ना, स्मॉल प्लांट्स लाइक लाइकन्स वगैरह आए, फिर ग्रासेस और पेरिनियल ग्रासेस आई। पेरिनियल क्या होता है, जो बहुत साल तक जीती है ना, तो पेरिनियल और एनुअल ग्रासेस आना स्टार्ट हो गई। वी कैन से एनुअल
एंड पेरिनियल ग्रासेस आना स्टार्ट हुए। उसके बाद कौन यहाँ पे ग्रासेस आए, शर्ब्स आए, शेड्स आए, है ना, फिर आपके टॉल प्लांट्स आए, ट्रीज आए, पाइन्स आ गए, और लास्ट में आप देखोगे शेडी टॉलरेंस, पूरी कैनोपी बन चुकी है, पूरी कैनोपी बन चुकी है, मतलब एक फॉरेस्ट बन चुका है। दिस पर्टिकुलर स्टेज जो हमारा टारगेट था दैट इज क्लाइमेक्स कम्युनिटी, और बीच की हो गई आपकी इंटरमीडिएट या फिर सीरियल कम्युनिटी, ये हो गया आपका कौन सा जिराक कंडीशन। तो जिराक में कहा हुआ स्टार्ट हुआ आपके बिल्कुल बेयर रॉक से और पहुंच गया कहाँ पे फॉरेस्ट में। तो शुरुआत कहाँ से हुई है, रॉक से हुई है, लैंड से हुई है, तो लैंड वाला कौन सा हो गया जिराक कंडीशन, और पानी से शुरुआत होगी तो वी कॉल दिस एज अ हाइड्राक कंडीशन, इसी को हाइड्रोसिरी भी कहते हैं, वी कॉल दिस एज अ हाइड्रोसिरी, और इसको जीरो से, ठीक है, तो नाम आपको ध्यान रखने हैं। तो ये भी हो गया, इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे दो तरह के सक्सेशन थे, एक था प्राइमरी एक था सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब क्या है, द सक्सेशन टेकिंग प्लेस इन एन एरिया वेयर नो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एवर एग्जिस्टेड, मतलब ये आपको जीरो से स्टार्ट करना है, शून्य से अंत तक, मतलब फॉरेस्ट तक आपके पास कुछ भी नहीं है, यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। जैसे मैं आपसे कहूँ दो ऑप्शन है, एक मैंने कहा कि जाके खाना बनाओ, है ना, अब तुम रसोई में जाओगे और खाना बनाओगे, अब खाना तुम्हें जीरो से बनाना पड़ेगा, तो क्योंकि सब्जी भी काटनी पड़ेगी, मसाले भी डालने पड़ेंगे, खाना प्रिपेयर करना पड़ेगा, सारा काम शुरू से स्टार्ट हो रहा है, तो इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरी सक्सेशन। एक मैंने कहा कि यार खाना पहले से बना हुआ है फ्रिज में, है ना, उसको या तो रिपेयर कर दो, मतलब उसमें मसाले वसाले डाल के थोड़ा सा उसको और टेस्टी बना दो, या फिर उसे गर्म करके ले आओ, तो खाना पहले से बना हुआ है ना, अब उसे बस हल्का सा गर्म करना है आपको या हल्का सा उसको रिपेयर करना है, दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेकेंडरी सक्सेशन। तो उसमें आपको पूरी मेहनत नहीं करनी कि आपको सब्जी काटनी है, मसाले डालने हैं, सब कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। तो सेम एग्जाम्पल अब हम लेते हैं किसका, आपके लैंड के पीस का। तो मान लो एक बेयर रॉक से अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक रॉक्स प्रेजेंट थी यहाँ पे, और यहाँ से हमें ट्रेवल करना है कहाँ पे, एक पूरे फॉरेस्ट तक सफर करना है हमें, तो ये हो गया एग्जाम्पल किसका, प्राइमरी सक्सेशन, जहाँ आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। लेकिन मान लो ऐसी एक कंडीशन होती है कि जहाँ पे हमारे पास फॉरेस्ट बन तो चुका था बॉस, या फॉरेस्ट बन चुका था लेकिन फॉरेस्ट में आग लग गई, फॉरेस्ट में आग लग गई, आग लगने की वजह से ही सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन अभी भी सॉइल तो यहाँ पे है, ऐसा तो नहीं है कि रॉक्स प्रेजेंट है यहाँ पे, रॉक्स से सॉइल बनाएंगे, नहीं, यहाँ पे सॉइल बन चुकी है, थोड़ा बहुत सॉइल्स के अंदर आपके मिनरल्स भी होंगे, न्यूट्रिशन भी होगा, बस बारिश आएगी तो अपने आप नए प्लांट्स उग जाएंगे। तो ये बिल्कुल जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये स्टार्ट हो रहा है आपके इंटरमीडिएट स्टेज से, इट्स लाइक बीच में कोई स्टॉप हो गया था या किसी कारण से वो हल्का सा पीछे आ गया, और पीछे आने के बाद वापस से वो आपके फॉरेस्ट तक मूव कर रहा है, वापस से वो फॉरेस्ट तक मूव कर रहा है। ये एग्जांपल है किसका, सेकेंडरी सक्सेशन का, सेकेंडरी सक्सेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एंड वी आर डन विद दीज टॉपिक्स ऑल्सो। लास्ट टॉपिक है आपका न्यूट्रिएंट साइकिल। दो तरह की न्यूट्रिएंट साइकिल होती है, एक होती है गैशियस और एक होती है सेडिमेंटरी। कुछ एलिमेंट्स गैशियस फॉर्म में साइक्लिक प्रोसेस बनाते हैं और कुछ सेडिमेंटरी साइकिल्स होती हैं। सेडिमेंटरी में आपके एग्जांपल्स आएंगे सल्फर और फॉस्फोरस। फॉस्फोरस सल्फर जो है ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे फॉस्फोरस हो गया तो ये ना अवेलेबल है, जस्ट अ मिनट। तो हम बात कर रहे थे फॉस्फोरस के बारे में, तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि आप सिंपली देखेंगे ये ना मतलब गैशियस स्टेज में नहीं मगर सॉलिड स्टेज में ही हमारी एनवायरमेंट में साइक्लिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, मतलब घूमते रहते हैं, ठीक है। तो वी कैन से फॉर दिस द रिजर्वॉयर इज लोकेटेड इन द अर्थ क्रस्ट, तो ये अर्थ की सॉइल के अंदर रोटेशन होगी इनकी। वहीं गैशियस में आपके एग्जांपल आएंगे नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, तो आप जानते हैं नाइट्रोजन एक गैशियस फॉर्म है तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में घूमती रहती है। ऐसी कार्बन, आप जानते हैं कि लाइक हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं, है ना, उसको प्लांट्स रिसाइकिल कर रहे हैं, या फिर आपके जो समुद्र के अंदर फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह जो यूनिसेलुलर डायटम्स वगैरह हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स डायटम्स, वो उसको रिसाइकिल कर रहे हैं। तो ये गैशियस फॉर्म में घूमते हैं और ये सेडिमेंटरी फॉर्म में घूमते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इससे नीट का पीवाईक्यू बनता है, इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनता है कि कौन सेडिमेंटरी स्टेज में साइक्लिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, कौन गैशियस स्टेज में, ठीक है। और व्हाई डू वी कॉल दीज साइक्लिक प्रोसेसेस एज अ बायो जियो केमिकल, बिकॉज इसमें अर्थ भी इन्वॉल्व है और इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो फिक्स करेंगे इन गैसेस को। तो लिविंग थिंग्स इन्वॉल्व है, अर्थ इन्वॉल्व है, और आप जानते हैं ये गैसेस हैं तो केमिकल फॉर्म भी है, तो बायो जियोकेमिकल साइकिल्स भी इनको कहते हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल है आपकी नाइट्रोजन, ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल का, कार्बन साइकिल, है ना, कार्बन साइकिल की पहले हम बात करते हैं।
तो कार्बन साइकिल में क्या होता है, आपके पास दो तीन सोर्स हैं जहां से एनर्जी निकलती है, जहां से एनर्जी निकलती है। जैसे ये फायर है, यहाँ से CO2 निकलेगी, ठीक है। ये हमारे पास थर्मल प्लांट्स हैं, या फिर कुछ ऐसी हम ह्यूमंस की एक्टिविटीज, जहां से आप अगेन CO2 निकाल रहे हो, ठीक है। तीसरा, हम ये जो एनिमल्स हैं, ये भी CO2 बाहर निकाल रहे हैं। तो एक कार्बन के सोर्स है जहां से कार्बन बाहर निकल रहा है। इनको फिक्स करने वाला कौन है? आपके प्लांट्स, पहला। दूसरा, समुद्र के अंदर पाए जाते हैं कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स, डायएटम्स, यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं, और वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं इनको फिक्स करने के लिए। तो फिक्स करने के लिए पहला ट्रीज अवेलेबल है, दूसरा कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल है। तो इस तरीके से जो साइकिल है ये पूरी क्या होती है, फिक्स की जाती है। क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, इनमें से कुछ गायब कर देगा और आपसे सवाल पूछ लेगा, ठीक है। तो साइकिल बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आई होप आपको पता होगी, ठीक है। इसके अलावा फॉस्फोरस इज अ, फॉस्फोरस की बात करें तो इट्स अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है आपका फॉस्फोरस, है ना। आपको पता होगा न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइट्स, DNA, न्यूक्लिक एसिड, इन सब में क्या होता है, फॉस्फोरस होता है। सेलुलर एनर्जी ट्रांसफर सिस्टम में भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। मैनी एनिमल यूज फॉस्फोरस टू मेक द शेल्स, बोन्स एंड देयर टीथ ऑल्सो, जैसे हमारे टीथ्स, है ना। इसके अलावा टीथ, इसके अलावा द नेचुरल रिजर्वॉयर ऑफ फॉस्फोरस इज रॉक। रॉक एक अच्छा खासा रिजर्वॉयर है किसके लिए, आपके फॉस्फोरस के लिए। पूछे कोई नाइट्रोजन का रिजर्वॉयर कौन है, तो वह है आपका एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर इज द रिजर्वॉयर ऑफ यू कैन से नाइट्रोजन। कोई पूछे कार्बन का कौन है, तो कार्बन में आप देखोगे जो चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो कौन है, वो है आपके डायटम्स या यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, वो उसका रिजर्वॉयर है। ऐसी फॉस्फोरस का कौन है, आपका रॉक्स रिजर्वॉयर है, ठीक है। व्हेन रॉक्स आर वेदर्ड, रॉक्स को तोड़ते हैं तो माइन्यूट अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस इज ट्रेवलिंग इन टू द सॉइल सोल्यूशन। तो वहां से वो कहां पर जाता है, सॉइल में चले जाता है, फिर सॉइल से वापस वो घूमेगा किसमें, प्लांट्स के अंदर, प्लांट से वापस हो जाएगा, ऐसे उसकी साइकिल चलती रहती है। एंड एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स, हर्बीवोरस एंड अदर एनिमल्स ऑब्टेन दिस फ्रॉम द प्लांट्स, वो उसे वहां से ले लेंगे। एंड द वेस्ट प्रोडक्ट एंड द डेड ऑर्गेनिजम्स आर डिकम्पोज बाय द फॉस्फेट सोल्यूबिलिंग बैक्टीरिया। तो फॉस्फोरस को अगेन वापस सॉइल तक पहुंचाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कुछ फॉस्फोरस बैक्टीरिया, और ऐसी सल्फर को पहुंचाने के लिए भी कौन है। अच्छा सल्फर ना, सल्फर वैसे तो आपको पता है कि सेडिमेंटरी फॉर्म में साइक्लिक प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, सेडिमेंटरी फॉर्म में, मगर कभी कभार ये ना गैशियस फॉर्म में भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो आपकी प्रायोरिटी तो वैसे सेडिमेंटरी रहेगी, लेकिन अगर ऑप्शन में आ जाए, है ना, आपके पास चार ऑप्शन है और इसमें सिर्फ ये एग्जाम्पल दिया है सल्फर, बाकी कुछ और दे दिया आपको, है ना, आयरन दे दिया या कुछ और दे दिया, तो सल्फर को आप गैशियस में भी लगा सकते हो, मगर सेकेंड प्रायोरिटी, ठीक है। तो जैसे कुछ सल्फर बैक्टीरिया होते हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, वो सल्फर बैक्टीरिया जो होते हैं वो इस सल्फर को रिलीज करते हैं एटमोस्फियर में एज अ गैशियस फॉर्म, ठीक है, बाय परफॉर्मिंग द अनएरोबिक फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो इसको रिलीज करते हैं। तो आपकी फॉस्फोरस साइकिल कैसे वो ट्रेवल करते हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं इस चार्ट से, इस डायग्राम से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको एज इट इज याद कर लो, बहुत ईजी है। आपको पता है कि रॉक्स होंगे, रॉक्स के टूटने से क्या होगा, सॉइल बनेगी। अब उस सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको या तो कौन ले लेंगे, आपके प्रोड्यूसर्स ले लेंगे, प्रोड्यूसर को कौन खाएगा, कंज्यूमर्स खाएंगे, कंज्यूमर्स को कौन डिकम्पोज कर देगा, डेट्राइटस कर देंगे, डेट्राइटस डिकम्पोज कर देंगे, वापस से वो सारे न्यूट्रिएंट्स कहाँ आ जाएंगे, सॉइल में आ जाएंगे। ये साइकिल चलती रहती है। अब इसमें से कोई भी डब्बा गायब करके पूछ लेंगे वहां पे कौन आएगा, तो उसके लिए आपको ये डब्बा याद होना चाहिए, तो अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। एंड लास्ट आता है आपके इकोसिस्टम सर्विसेज, ना, जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं इकोसिस्टम से या एनवायरनमेंट से फ्री ऑफ कॉस्ट, हमें उसका बिल्कुल भी लिहाज नहीं है। तो एक साइंटिस्ट है ना, जिन्होंने हमें बताया कि यार ये कितना ज़्यादा है ना, रॉबर्ट कॉस्टेल्जा, रॉबर्ट कॉस्टेल्जा, इन्होंने हमें बताया कि यार कितनी ज़्यादा प्राइसलेस चीज़ें हमारा एनवायरनमेंट हमें दे रहा है। आज आप जानते हैं कि पानी बिकने लग गया है, कुछ टाइम बाद होगा कि यार ऑक्सीजन भी बिकना स्टार्ट, मतलब आज भी बिक रही है, मगर फ्री ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगी, वो भी आपको पैसे देके खरीदनी पड़ेगी। तो उसके हिसाब से उन्होंने एक डेटा लगाया और कुछ पैसे उन्होंने बताए कि यार इतना अमाउंट हमें ट्रिलियन, है ना, 33 ट्रिलियन डॉलर जो है वो हर साल हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा इकोसिस्टम पे, अगर कोई ये काम ऐसे ही चलता रहा। मान लो नेचर ने हमें देने से मना कर दिया कि मैं नहीं देगी, पैसा चाहिए, तो वो कितना महंगा पड़ेगा हमें, जो हमें लकड़ियाँ मिलती हैं, जो हमें ऑक्सीजन मिलती है, जो हमें पानी मिलता है, ये चीज़ें जो हमें मिलती है ना, ये सब चीज़ें कितनी महंगी हमें पड़ेंगी। तो वो पड़ेगी कुछ इतने रुपये की, 33 ट्रिलियन डॉलर पर ईयर के हिसाब से, एंड नियरली ट्वाइस द वैल्यू ऑफ द ग्लोबल ग्रॉस नेशनल, हमारे जो पूरे दुनिया की जो यू नो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की जो वैल्यूज है वो कितनी है, GNP जो है वो कितनी है, वो है 18 ट्रिलियन डॉलर, उससे भी ज़्यादा।
सब मर जाएंगे, कोई नहीं ला पाएगा, है ना। तो इतना महंगी, इतनी वैल्यूएबल चीजें जो है हम ऐसे यूज कर रहे हैं फ्री में। तो आउट ऑफ दिस कॉस्ट सॉइल फॉर्मेशन अकाउंट्स फॉर अबाउट 50%, तो सॉइल में 50% आपका पैसा जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अदर सर्विसेज लाइक रिक्रिएशन एंड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, इसमें आपका 10% पैसा जाएगा। और द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेटिक रेगुलेशन और हैबिटेट को रेगुलेट करने में आपका 6% पैसा जाएगा। तो इस तरीके से ये काफ़ी महंगा हमें पड़ेगा, तो वी हैव टू गिव अटेंशन टू दिस ऑल्सो, है ना। हमें नेचर में अटेंशन देनी पड़ेगी, अदरवाइज लटक जाएंगे सारे के सारे, है ना, पैर ऊपर सर नीचे हो जाएगा हमारा, ठीक है। आते हैं कुछ सवालों पे। तो वी हैव डन दिस चैप्टर, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। हमने क्या क्या बातें की है, हमने बात की है इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम के टाइप्स पढ़े थे, उसके बाद हम आए आपके स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। स्ट्रक्चर में हमने बात करी आपके स्पीशीज कॉम्पोजिशन के बारे में एंड स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में। फंक्शन में हमने बात करी प्रोडक्टिविटी के बारे में और आपके डिकम्पोजिशन के बारे में, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के बारे में और एनर्जी फ्लो के बारे में। फिर हमारे सक्सेशन के टॉपिक पे और फाइनली हमने बात करी किसका, आपके कुछ कॉस्ट के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में कौन सी बात सही है, बोथ हाइड्राज एंड जिराज सक्सेशन लीड टू द हाइड्राज एंड जिराज कंडीशंस। द स्पीशीज दैट इन्वेड बेयर एरिया आर कॉल्ड एज अ ट्रांजिशनल कम्युनिटी, जो स्टार्ट करती है क्या वो ट्रांजिशनल कम्युनिटी है। नीश बिकम स्पेसिफिक एंड नैरो, या फिर पायोनियर कम्युनिटीज आर मोसेस इन द जीरो सिटी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मोसेस लाइकन्स जो होते हैं, दीज आर व्हाट, दीज आर द पायोनियर स्पीशीज, है ना, इन द जीरो सिटी कंडीशंस, ठीक है। अगला सवाल आपसे कह रहा है द अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल, तो क्या कहते हैं उसको, स्टैंडिंग स्टेट कहते हैं, हम कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। अगला कह रहा है इन हाइड्राज सक्सेशन रीड स्वैम स्टेज इज रिप्लेस बाय, तो रीड स्वैम के बाद कौन सी वाली स्टेज आती है, तो आप जानते हैं मार्शी मेडो स्टेज आती है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसे आप कहते हो स्ट्रेटिफिकेशन। नेक्स्ट चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट गलत है, पार्शली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, है ना, ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस पार्शली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर है, रेसिस्टेंट अगेंस्ट माइक्रोबियल एक्शन, इट इज स्लाइटली अल्कलाइन, या फिर सर्व एज अ रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सर्व एज रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो कौन सी स्टेटमेंट गलत है, आप जानते हैं सारी स्टेटमेंट सही है, बस स्लाइटली अल्कलाइन नहीं होता, ये स्लाइटली एसिडिक होता है, इसका पीएच कितना होता है, एसिडिक होता है, इट्स स्लाइटली एसिडिक, ठीक है। दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, मतलब यही हमारा सही आंसर है। अगला सवाल कह रहा है मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम इन ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम इज, तो लिविंग मटेरियल क्या होगा, स्टैंडिंग क्रॉप होगी। अगला सवाल ऑफ द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन द क्वांटम ऑफ एनर्जी मेड अवेलेबल फॉर द प्लांट फॉर द लिविंग वर्ल्ड, कितनी एनर्जी जो है वो अवेलेबल होती है, सिर्फ कुछ 2-5%। आपने देखा था कि कुछ 100% सन से एनर्जी आ रही है, लास्ट में कितनी एनर्जी जो थी वो आपका एनपीपी एज अवेलेबल थी, तो वो थी आपकी कुछ 0. कितनी थी, 1.6 से कुछ 2% तक, है ना, 2-4% तक, तो कुछ ऐसी अवेलेबल थी, मतलब 2-5 के बीच में ही वो एनर्जी अवेलेबल होती है, या 2-10 कर सकते हो उसको इवन, है ना, हमने दो तरह की कंडीशन देखी थी ना, तो 2-10 हो सकता है, ठीक है। तो वी आर सो शेयर, वी आर डन विद ऑल द क्वेश्चन हियर, सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, बस जो बच्चे अंत तक बैठे थे उनको पूरा चैप्टर क्लियर हुआ होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए होंगे। अब चाहो तो आप कोई भी पीवाईक्यूज की बुक उठा लो, लगाना स्टार्ट करो, मक्खन की तरह सवाल आपसे होने वाले हैं, हर एक बात आपको इस चैप्टर में बता दी गई है, कुछ भी ऐसा नहीं है हमने छोड़ा हो, है ना, ऑल्दो इट्स अ वन शॉट, मगर सारी बात यहाँ कवर की है हमने, ठीक है। तो ऐसे ही दमदार तरीके से पढ़ाई करते रहो, सिलेबस भी हमारा सही पेज पर चल रहा है, आपको भी सही पेज पर रखना है, बस कंसिस्टेंट रहो, है ना, समय लग सकता है ना, हालांकि हम समय से भी बंधे हुए हैं इस टाइम पे, लेकिन हाँ थोड़ा सा समय अपने आप को दो, हर चीज़ तुम्हारे पास आएगी, और मिलते रहेंगे ऐसी और मुलाकातों में, है ना। आपको अगर कोई और टॉपिक पढ़ना है मेरे से, आप सिंपली सर्च कर सकते हैं लक्ष्य सर और एक्स वाई जेड, जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है। विल सी यू इन द अपकमिंग क्लासेस, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, बाय बाय। I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a